सबसे बड़ी मुश्किल ये है, ख़ासकर जर्नलिस्ट यानी एक जर्नलिस्ट होने के नाते, कि यहाँ पर नेशनल न्यूज़ आपको मिल जाती है अखबारों में, वेबसाइट्स पर, रेडियो पर, टेलीविज़न पे, लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़ का रिवाज है नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ पर भी, मतलब हमारा यानी हिंदुस्तान तो लगभग इन सारे मुल्कों से लगभग यानी आखिर के नंबर पर आता होगा एज़ फार एज़ इंटरनेशनल न्यूज़ इज़ कंसर्न। यहाँ पर कोई विदेशी यानी न्यूज़ यानी विदेश के बारे में जो न्यूज़ होती है वो किसी भी तरह से न्यूज़ नहीं है। आप कोई भी अखबार उठा करके देख लीजिए, आप कुछ भी उठा करके देख लीजिए, और अगर किसी ने लिखा भी होगा इंटरनेशनल न्यूज़ को, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि ट्रंप ने जो अपना ट्वीट किया है वो कैपिटल में किया है, यानी चिल्ला करके बोला है, गुस्से में बोला है। इसके आगे आपको और कुछ नहीं मिलता है। दूसरा ये है कि अगर आप वेस्ट का अखबार पढ़ते हैं या वेस्ट की न्यूज़ पढ़ते हैं, तो आप ये पहले तो मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी देश, वो चाहे कितना ही रेडिकल उसका जर्नलिज्म यानी जर्नलिस्टिक हिस्ट्री क्यों ना रही हो, वो लगभग उस फ्रेमवर्क में बात करता है जिस स्टेट के अंदर वो लोकेटेड है। यानी पाकिस्तान अगर मान लिया जाए ईरान के बारे में बात करे, जो कि वो करता भी है, या हिंदुस्तान के बारे में बात करे, तो जो स्टेट का नैरेटिव है वो उसके 19 और 20 तो जाता है, लेकिन वो 18 पर भी नहीं आ पाता है। ये अमेरिका का भी बिल्कुल ऐसा है, हिंदुस्तान का तो खैर छोड़ ही दीजिए क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं अखबार के नाम पर, अखबार यानी न्यूज़ के नाम पर। और अगर लिखेगा तो बेसिकली जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा, वो कोई भी चीज़ होगी, वो वेस्ट के आसपास घूमता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू ने लिखा नहीं हो, या मान लिया जाए आज की डेट में जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड है, कभी कभी वो बहुत ठीक ठाक स्टोरीज दे देता है, लेकिन बेसिकली वो नैरेटिव भी 18 और 20 के आसपास ही रहता है, 18 और 21 के पास रहता है, बाकी आपको कोई व्यू नहीं मिलता है। तो अफगानिस्तान को बेसिकली किसी भी जगह को समझने के लिए, आई एम सॉरी, ये मेरी टॉक ऐसे तो नहीं हो रही जैसे मैं किसी स्टूडेंट को, मतलब जैसे ट्रेनिंग पे बोल लेता हूँ, वैसा तो नहीं हो रहा। हाँ, वहाँ के बारे में आपको कितना पता है? अब वो आपको पता है, यानी अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ पता करना है, तो अफ़गानिस्तान के बारे में मुझे पता करने के लिए अफ़गान के बारे में पता होना चाहिए, अफ़गान। अब अफ़गान जो है वो मैं वेस्टर्न मीडिया से या और किसी और मीडिया से लेने की बजाय, मेरी दादी नानी या मेरे गांव के किसी लेखक ने कोई झूठी कहानी लिखी है कि नहीं, वो झूठी हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विदेश के लोगों को लेकर के मुझे लगता है दो देश ऐसे हैं जिसके बारे में हम कहानियों से थोड़ा हमने उस देश को, उन देशों को पहचाना है। उसमें पहला नंबर आता है अफ़गानिस्तान का। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लगभग हर बच्चे ने काबुलीवाला कहानी सुनी हुई है, और अगर नहीं सुनी है तो उसकी जीन्स में मौजूद है। उसको अगर एक बारी बता दिया जाए तो उसने अगर सुनी नहीं होगी तो उसको पता चल जाएगा कि बेसिकली अफ़गान ये है। और दूसरा है चीन। इसके अलावा हमारे पास कैरेक्टर्स हैं नहीं, देशों को समझने के लिए कैरेक्टर्स हैं नहीं। तो हिंदुस्तानी मीडिया अगर बाहर की खबरें नहीं देता है तो वो डर्थ है उन कहानियों का, वो कमी है या वो निर्वात है उन कहानियों का जो हमारे यानी जो हमारे पुरखे रहे होंगे, उन्होंने नहीं दिए हमें वो कहानियाँ। तो यहाँ पर हम अगर अफ़गानिस्तान को समझना हिंदुस्तान के लिए सबसे आसान है, क्योंकि हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट आ जाता है, वो रेफरेंस पॉइंट है काबुलीवाला। मैं उसकी कहानी पर बिल्कुल भी नहीं जाता हूँ, वो एक अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है उसके बारे में बात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसने कहीं ना कहीं पर एक खून किया हुआ है। लेकिन आप उसको देखिए, उस कहानी में मैं सिर्फ इतना ये बता देना चाहता हूँ, वो जो खान है वो कहीं पर भी आपको कातिल नहीं लग रहा है, वो आपको लगता नहीं है। वो आपको बाप लग सकता है, वो आपको एक
बहुत लंबा सा चौड़ा सा आदमी एक दिख सकता है जो अपने निश्चय, जो निश्चय उसने किया उस पर बड़ा दृढ़ रहने वाला व्यक्ति है, वो लग सकता है, लेकिन कातिल नहीं लगता है। मैं अफ़गानिस्तान में जब पहली बार गया, हालांकि पहली बार तो मैं बहुत पहली बार गया था, उस समय बिना वीज़ा के 698 तक का जो अफ़गानिस्तान है तो वो तो बहुत मुश्किल अफ़गानिस्तान था, जिस समय मुजाहिदीन और तालिबान के बीच में, या फिर जब तालिबान पीछे हटते हैं तो जो इन फाइटिंग विद इन दी फैक्शंस ऑफ मुजाहिदीन जो होती है, काबुल ने बहुत बुरा देखा उसको। काबुल मैं काबुल से शुरू करूंगा काबुल के बारे में थोड़ा सा बताने के लिए, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमें समझना यहीं से है, हम बाहर तो हैं नहीं, तो हमें समझना यहीं पर है, तो थोड़ा सा और पीछे चल पड़ते हैं। एक लड़का था कर्ण महाभारत के टाइम का, और एक थे अपने ये यादव जी कृष्ण, तो इनकी डेथ हो गई। अब ये मरने वाले थे, यानी इन पे तीर लग गया, तो इन जब ये मरने वाले थे तो कृष्ण जी को कर्ण ने कहा कि मुझे उस जगह पर जलाया जाए जहाँ पर, हालांकि बात ये थी कि जहाँ पर कोई मरा ना हो। तो अब पूरी धरती में तो हर जगह पर मरा है, यहाँ पर भी मरा है, कोई ना कोई हमारे उसमें तो बहुत सूक्ष्म जीव भी लगभग उसको भी देखा जा रहा है। तो उन्होंने कहा एक जगह है जहाँ पर कोई मरा नहीं है, या जहाँ पर कोई जला नहीं है, तो उन्होंने अपनी अनामिका जो है ये उंगली, जिससे कोई काम हम कर नहीं सकते हैं, या अगर उंगली कट भी जाए तो हमारा हाथ लगभग उतना ही मजबूत रहता है जितना आज की डेट में बाकी चार उंगलियां और एक अंगूठे के तहत है। ये अंगूठी बहुत कमज़ोर, ये उंगली जो है ये बहुत कमज़ोर हुआ करती है। ख़तरनाक ये है कि अगर आप इतने लोग जमा हैं तो वहाँ पर बम फटेगा, हो ही नहीं सकता कि आप ऐसे चल सकते हो। चार लोग, पांच लोग, छह लोग एक साथ तो आप जा नहीं सकते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर भीड़ है, तो भीड़ में बम यानी वो एक्सप्लोड होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक जगह है जो बिल्कुल वहाँ पर कभी कोई बम नहीं फटा, कभी किसी की हत्या नहीं हुई, राइट एट द सेंटर ऑफ काबुल है, वहाँ पर कभी सबसे ज़्यादा अमान है उस जगह पर। काबुल में अभी करीबन 1.5 साल पहले एक अटैक हुआ था, बिल्कुल जर्मन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी और ईरानियन एम्बेसी, और वहाँ पर एक बाज़ार है, चार दुंगे बाज़ार उसको बोलते हैं, तो वहाँ पर जो है 140 लोग मरे। मेरी 8:30 बजे एक मीटिंग थी और मुझे बेसिकली 8:24 पे बिल्डिंग के अंदर होना था, टाइम बिल्कुल एकदम फिक्स्ड होते हैं। तो मेरे पास जो सिक्योरिटी थी, दो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, तो उन्होंने मेरा GPS जो है वो ऑन किया और मुझे बिल्डिंग के पास उन्होंने छोड़ दिया, और बाकी जो है गाड़ी जो है हमारी, जो कि मतलब बट नेचुरल बुलेट प्रूफ ही उसको होना था, मैं UN में काम कर रहा था उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि आप अंदर हो जाइए। तो गेट से अंदर आते हुए मुझे 4 मिनट लग गए, क्योंकि गेट पर आपकी एक चेकिंग होती है, बहुत ही रिगरस चेकिंग वो करते हैं, तो 4 मिनट उसमें लग गए। तो 8:28 पे मैं कंपाउंड के अंदर था। अब जो दीवार है, दीवार बहुत मोटी होती है, और करीबन 3 दीवारें होती हैं बहुत मोटी, तो 8:28 पे एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन हुआ तो मैं, अब वो एक्सप्लोजन बहुत, अब पता नहीं, मतलब अच्छी बात है कि हम लोगों ने उस तरह से एक्सप्लोजन्स को देखा और सुना नहीं है। एक्सप्लोजन को देखना तो लगभग किसी को नसीब होता नहीं है, सुन जरूर सकता है, तो वो जो आवाज़ होती है वो बहुत भयानक होती है। तो मैं उसके जो शॉक वेव थे, तो अब वो किसी तरह से वो राइट की तरफ से आ रहे होंगे, तो मैं लेफ्ट पे गिरा। मेरे GPS के तहत वो एक वाइब्रेशन भेजते हैं, उनको पता लग गया कि अब अटैक तो हो गया है, तो वो वाइब्रेशन का मतलब है कि आप उसको एक बारी ऑन और ऑफ़ करें, तो ऑन और ऑफ़ करें इसका मतलब आप होश में हैं। उसके बाद किसी तरह से जब ये मामला थोड़ा सा ठंडा हुआ, आधा घंटा इसको लगा, तो उन्होंने जो सबसे पहला जो काम किया
मुझे बिल्कुल काबुल के बीचों बीच एक जगह पर ले गए, ऑफिस नहीं ले गए क्योंकि ऑफिस हमारा काफ़ी दूर था, वो जगह एकदम खुले में। तो उन्होंने कहा ये बहुत एकदम निश्चिंत जगह है, यहाँ पर कभी कोई अटैक नहीं होगा। वो जगह है जहाँ पर ताबूत बिकते हैं। तो अफगानिस्तान की पूरी हिस्ट्री में, वो चाहे मुजाहिदीन से लेकर के जो सिविल वॉर का जो समय था, इवन उससे पहले अगर जाते हैं कि सोवियत इन्वेजन से पहले से लेकर के और आज तक, अभी तक की डेट और अभी तक के समय में कभी भी किस कोई वहाँ पर मरा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मरे लोगों के लिए कुछ आखिरी सामान लेने के लिए लोग गए हुए होते हैं। ये तो एक ही बात। अफगानिस्तान में बेसिकली चार मुख्य, जिसको बोलना चाहिए, एथनिक ग्रुप्स हैं। मुग़ल से पहले और मुग़लों के आसपास पश्तून डोमिनेंट नहीं थे। बेसिकली जो डोमिनेंट्स थे वो थे उज़्बेक, तो उज़्बेक लोग होते हैं। तो उज़्बेक जो कम्युनिटी है वो इस वक्त दूसरे तीसरे नंबर पर बहुत कम है, बल्कि सबसे पहला जो इस समय पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, बाकी के दूसरे लोग जो कहते हैं वो ये कहते हैं 40% हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर हम सीधा सीधा अगर ज्योग्राफी को अगर किताब खोल करके देखें तो उसमें पता लगता है कि कौन कौन सी प्रोविंस और इनकी पॉपुलेशन कितनी है, तो ऑलमोस्ट 60+ में जाते हैं। तो पश्तूंस जो हैं वो आपको मीडिया में अगर मिलेगा तो 40 के आसपास मिलता है। पश्तून ने अपनी हिस्ट्री में आज की डेट से, मतलब ये उनकी हिस्ट्री रही है कि वो अटैक नहीं करते हैं किसी पर। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, शेरशाह सूरी जो है तो आया था, उसने अटैक किया था, वो भी ठीक है, उसके बारे में थोड़ा हम जान लेंगे। जो अटैक करने वाली कौम रही है, जिसकी हिस्ट्री रही है, वो उज़्बेक रहे हैं। और उज़्बेक जो थे, जो फरगना वैली से जो स्टार्ट होते हैं, जो आज की डेट में जिसको हम किर्गिज़िस्तान बोलते हैं, वो वैली से ले करके उसके बाद समरकंद और बुखारा, यहाँ के जो उज़्बेक थे, ये लोग टेरिटरी को बहुत एक्सपेंड करते थे। अब ये क्यों उज़्बेक इस तरह के रहे, क्योंकि उनके पास एक हिस्ट्री, मतलब उनके पास कैरेक्टर्स हैं, उनके मतलब यानी उनके बाप दादा या नाना नानी इस तरह के थे लोग, उनके ब्लड में है कि वो सिर्फ अपनी जगह पर बैठ करके रूल नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो एक्सपेंड करना चाहते थे। पश्तून का कैरेक्टर ये है, वो जहाँ पर है वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि अमेरिका ने बहुत कुछ कर लिया, तो फिर आप गलत फहमी में। सोवियत ने बहुत कुछ कर लिया, फिर तो आप बहुत ही गलती में हैं। और अलेक्जेंडर ने अगर कुछ कर दिया, मतलब सिकंदर, तो वहाँ पर उसको बोला जाता है इस्कंदर, उसने अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखी। अब चिट्ठियाँ जो हैं वो काफ़ी देर में पहुँचती थी, उस समय कोई घुड़सवार आएगा, कोई अगर नदी है तो, मतलब मान ले जाए इस तरह से बाहर से हो करके, मतलब पानी वानी के रास्ते से किसी तरह से, खैर वो चिट्ठी पहुँचती है उसके पास। तो उसने चिट्ठी लिखी, तो उसने अपनी अम्मा को, ये डॉक्यूमेंट है, तो उसने कहा कि एक झूठ मैंने आपका देखा, यहाँ पर आकर के वो पहचाना, और वो झूठ मैं कोई बुरा नहीं मान रहा हूँ, हर माँ अपने बेटे को यही कहती है, और एक झूठ मैंने, जिसको कि गॉड जिसको बोलते हैं, हालांकि उसका विश्वास कितना रहा होगा वो शायद मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत ज़्यादा थियोलॉजी में उसका था नहीं, इस तरह से दखल था नहीं। इवन उसके जो गुरु लोग थे वो भी फिलॉसफी के पीछे रहते थे, उसमें उसका विश्वास उस तरह का नहीं था कि अगर कोई सूर्य देवता है तो उसके लिए ऐसा करना है, ये नहीं। लेकिन उसका जो फिलॉसफिकल जो बयान है वो लगभग उसको सुनता था, उसके बारे में मनन करता था। तो उसने पहले ये लिखा माँ को कि आपने कहा था कि सबसे बहादुर बेटा मैंने, यानी पूरी दुनिया में मैं वो माँ हूँ जिसने कि सबसे बहादुर बेटा जन्मा है। तो कहते हैं आप गलत हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर माँ कम से कम 4 इस्कंदर जन्मती है।
लेकिन जितना मैं ताकतवर हूँ यहाँ पर उतना ही एक पश्तून जो है, एक पश्तून माँ अपने चार बच्चों को जन्म देती है। तो पहली बात तो ये गलत, और दूसरा उसने ये बोला, अब यहाँ पर आ करके ये एरिया है, जब वो बेसिकली जो उसकी ट्रेजेक्टरी है वो कंदहार से लेकर के फिर नीचे की तरफ जाता है पख्तूनख्वा की तरफ, जिसको आज की डेट पे डूरंड लाइन के आसपास हम कहेंगे। तो जब वो घुसता है खैबर पख्तूनख्वा की तरफ और उसके बाद फिर वो सिंध की तरफ जाता है वगैरह, अब उसमें पोरस का कितना था क्या नहीं था वो देख लेते हैं। तो उसने कहा कि अब यहाँ पर आ करके, ये कंदहार में उसका बयान है, तो वो ये कहता है कि अब मुझे यहाँ पर आ करके ये पता हो गया है कि खुदा सही जस्टिस नहीं करता है। वो जब वो चिट्ठी लिखी तो उसने अपने एक जो खतीब था उसने एक बारी पूछ लिया कि ऐसा आप क्यों लिख रहे हैं ईश्वर के बारे में, जिस अवधारणा को हम मान रहे हैं कि वो गलत है। कहते यहाँ पर जा कर के देखो, यहाँ पर हर व्यक्ति मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, हर व्यक्ति लगभग मेरे जितना ताकतवर है या मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है, और यहाँ पर इनपुट एनर्जी का इनपुट बहुत कम लेते हैं और आउटपुट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, जबकि हम लोग इनपुट बहुत ले रहे हैं और आउटपुट हमारा बहुत कम है। तो कहते कि इस कौम को ईश्वर ने सबसे ज़्यादा दिया है, वहाँ पर ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा आगे आ करके थोड़ा सा पश्तून के कैरेक्टर को यहाँ से दिखा लेता हूँ। पश्तून को यहाँ पर हम पठान कह देते हैं। अच्छा, पठान मेरा हमेशा ये रहता है, मैं जो मेरे सबसे नज़दीक, जिसको कि एक स्टूडेंट की तरह लगभग पूरी ज़िंदगी मैंने देखा है अपने आसपास, वो मेरा भांजा रहा है। तो मैं अपने भांजे को कहता हूँ कि जब भी कोई शब्द अगर आप बोलें तो उस शब्द के मानी होने चाहिए। आप कोई इशारा करते हैं तो आप उसकी हिस्ट्री को पहचान लीजिए, आप उसके रूट्स को पहचान लीजिए। जैसे आप हुडेड, जो वो नहीं होती आप ऐसे वो पहन लेते हैं, तो आप पहले बताइए कि आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, ये पढ़ लीजिए, हुड की हिस्ट्री पढ़िए कि आप रिवोल्यूशनरी हैं और आप एस्टैब्लिशमेंट को नहीं मानते इसलिए ये पहनते हैं। आप ऐसे करते हैं जो आज की डेट में करते हैं, और हमारे टाइम पर जब हम खुश होते थे हम हवा को मुक्का मारते थे, अब आज की डेट में हम ऐसे करते हैं, इसके मानी आपको पूरा ही समझना होगा। वो चाहे वेस्ट का रैप मूवमेंट है, तो रैप मूवमेंट के जितने भी इशारे हैं उनका हर एक का मतलब, उस मतलब को। लेकिन हिंदुस्तान में बेसिकली मतलब से हमें कुछ लेना देना होता नहीं है। पठान बेसिकली यहाँ पर हम बोल देते हैं पठान, और पठान फिर कोई भी जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो एक ना हम बेसिकली उसकी एक आकृति बनाते हैं। कोई भी आप कोई कॉन्सेप्ट भी अगर आप ले लेते हैं, वॉर ऑन टेरर में आप एक पिक्चराइजेशन जो वॉर ऑन टेरर की होती है उसमें एक आदमी होता है, उसकी एक दाढ़ी होती है और एक बहुत खूबसूरत लंबी नाक, गोरा चेहरा, बहुत अच्छा हैंडसम, बहुत अच्छे जूते, वो अपाशे किस्म की उसकी ड्रेस होती है, उसके हाथ में ऐसी राइफल जिसको कि आपने कभी देखा ना हो, इतनी सुंदर होती, ये आपके पास आ जाता है। अच्छा, वो आदमी बेसिकली वो पठान की शक्ल है, वो मुसलमान की शक्ल है नहीं, वो बेसिकली एक पठान आदमी है आपके पास, लादेन साहब। तो इनको भी पठान शक्ल दे दी पूरे वेस्ट ने, उनकी पिक्चराइजेशन जो है वो पठान है, जबकि वो है नहीं। वो वहाँ के लोगों से, जो वहाँ के पश्तून हैं, या कभी मेरा जब भी तालिबान से इंटरेक्शन होता था, कुछ बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं ये लोग, बहुत गजब के दोस्त बनते हैं। तो वो कहते थे बहुत डरपोक किस्म का आदमी था ये, और वो हमारे कारण यहाँ पर था और हम उसको गलत नहीं मानेंगे, चाहे उसमें हमारी पूरी जान चली जाए। यानी मोहम्मद साहब ने जब वो ये डिक्लेयर हुए कि वो, यानी उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं रसूल अल्लाह हूँ, यानी मैं ईश्वर का संदेश वाहक हूँ, कि मक्का के लोगों ने तो माना नहीं था, तो वो मदीना में जब चले जाते हैं तो हिंदुस्तान से बहुत मुल्कों के बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए गए। अपने मुजफ्फरपुर के एक राजा वाजा थे, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को भी भेज दिया था उनसे मिलने के लिए, तो वो भी वहाँ पर चले गए। संबल का जो एरिया है, उस एरिया से अपना, वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है हमारे पास,
तो वहाँ पर मिलने के लिए चले जाते हैं। इधर से भी कुछ लोग मिलने के लिए चले जाते हैं। वो जगह है हेलमंद का जो रीजन, हेलमंद नदी के पास पश्तून बेसिकली उनका जन्म स्थली जिसको मानना चाहिए। कंधार नीचे है, हेलमंद थोड़ा सा उसके ऊपर है। तो हेलमंद का जो रीजन है उस रीजन में, उस रीजन से उठ करके करीबन 10-12 लोग ये जाते हैं। अच्छा, आप ये देख लीजिएगा, जहाँ पर भी कहीं पर वैलर की जहाँ पर बात होती है तो इन लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। वो मतलब चौकन्ने हो जाते हैं कि हाँ भाई कोई है जो कि दम की बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है जिसका नाम मोहम्मद है और वो अरबिस्तान से है, सऊदी, हालांकि सऊदी अरब तो अभी का है, अरबिस्तान का जो इलाका है उस इलाके में है वो। और प्रॉफिट वगैरह उनको कोई लेना देना नहीं, प्रॉफिट वगैरह से उनको कोई लेना देना था नहीं। तो वहाँ पर जाते हैं तो बातचीत होती है, करीबन 7 दिन ये वहाँ पर रहते हैं। 7 दिन के बाद प्रॉफिट ने कहा कि वो बतान किधर है। अब क्योंकि बतान का मतलब होता है आप जो नाव होती है, तो नाव बेसिकली जब ऐसे आती है तो उसके नीचे एक लकड़ी होती है, तो सबसे ज़्यादा पानी की जो कांटेक्ट में अगर रहेगी जो लकड़ी वो काफ़ी मोटी होती है और मुड़ी हुई भी होती है, तो वो लकड़ी कभी गलती नहीं, पूरी नाव गल जाएगी, वो लकड़ी नहीं गलती है कभी। अब वो साल की लकड़ी हो या कोई लकड़ी हो इस तरह का, लेकिन उस लकड़ी को बेसिकली खास तरह से प्रोसेस किया जाता है। हिंदुस्तान में वो कला हुआ करती थी पहले, मतलब इस रीजन में, हिंदुस्तान से मेरा मतलब है उसमें पेशावर है भाई, हमारे पूर्वज जो हैं भाषा के पूर्वज तो वो तो पठान ही थे, पाणिनि तो खैर पठान ही थे, वहीं के रहने वाले, चार सद्दा गाँव है तो उस वहाँ के रहने वाले थे, लंबे चौड़े कद के अपना। तो उन्होंने कहा कि आपने इनको बतान क्यों कहा, उन लोगों ने पूछा कि आपने हमें बतान क्यों कहा। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, वो कैरेक्टरिस्टिक जो उस लकड़ी में है वो आप में भी है। उस लकड़ी को जिंदगी में 4 बार तेल पिलाया गया, यानी एनर्जी का इनपुट आपको 4 बार दिया गया, वो इतनी सख्त हो गई कि हर जगह पर वो काम आती है और कभी टूटती नहीं है। आप वैसे ही हैं और कोई इस्लाम ग्रहण करने की कोई बात नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, कोई सवाल ही नहीं था। वो लोग वापस आए और उनको ये कैरेक्टराइजेशन ठीक लगा, तो लोगों में चर्चा हुई, तो तब से इसके बारे में, तो उनको पठान कहा जाता है। अरबी में प नहीं होता है इसलिए वो ब हो गया, ठ भी नहीं हो तो वो त हो गया, तो खैर वो बतान तो यानी पठान, तो पठान। ये इस तरह से भाषा के लिहाज से हमारी जो भाषा है, मतलब नॉर्थ इंडिया की खासकर, तो नॉर्थ इंडिया में जो भाषा है उसका जो बेसिक रूट है वो संस्कृत तो है ही। इसमें चाहे हम आज के मौजूदा स्वरूप में जो पॉलिटिकल जो बातचीत चल रही होती है वो संस्कृत ही सब कुछ है, सबकी जननी है, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये तो है। तो भाई जिसने भाषा दी वो हमारा पठान ही था, है ना भाई। पाणिनि जो थे जिन्होंने व्याकरण हमें दी वो तो पठान थे। खैर ये आप आ जाते, तो हमने ये थोड़ा सा कैरेक्टर इनके बारे में ये देख लिया है। अब मुझे आप एक कोई इंस्टेंस बता दीजिए जिसमें कि तालिबान ने किसी को पकड़ा हो और उसको मार दिया हो। आप कोई रिपोर्ट आप हमें बता दीजिए, एक रिपोर्ट। वो सोवियत इन्वेजन के टाइम से लेकर के और आज के समय तक उन्होंने वो पकड़ते हैं, युद्धबंदी बोलेंगे तो आपको नहीं मिलेगी कोई रिपोर्ट कि उन्होंने किसी को मार दिया है। वो ये कहते हैं 4 बंदे हमारे आपने पकड़े हुए हैं, उनको छोड़ दो तो हम तुम्हारे 2 छोड़ देते हैं। सिंपल एज दैट। लड़ाई चल रही है तो उसमें तो ये हो गई, और आप लड़ाई कहाँ आकर के कर रहे हैं, आप मेरे घर में आकर के कर रहे हैं। आपको इस तरह का रेफरेंस भी नहीं मिलता है। अब यहाँ पर आते हैं,
वेस्ट के बारे में कि वेस्ट जब आता है एशिया की तरफ तो वो किस तरह से आता है। तो अमेरिका तो अभी अभी पैदा हुआ है, उसकी बेसिक वैसी हिस्ट्री है नहीं। तो हिस्ट्री बेसिकली जो है, फ्रेंच भी इस तरफ आने में बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि नहीं आए वो, मतलब हिंदुस्तान में भी आए, डच भी आए, पोर्चुगीज़ भी आए, लेकिन जो बेसिक है वो है हमारे विलायती, और विलायत का मतलब होता है गांव, मतलब जो फारसी भाषा का जो शब्द है विलायत, माने भाई जैसे ये कहते हैं विलायत में सब ठीक ठाक है, यानी गांव में सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो हमारे गांव वाले यानी अंग्रेज जब आता है तो इधर बेसिकली करते क्या हैं, एक स्ट्रैटेजी उनकी ये रहती है कि आएंगे आपसे बहुत सारी चीज़ें ले जाएंगे, और जब जाने लगेंगे तो वो बहुत इतना महीन होता है, आप उसको क्या कहो, वो सीखा नहीं है, यानी पूरे पूरे दुनिया में वो अकेला ऐसा देश है जो उसकी हिस्ट्री यही रही है। वो अगर आएगा तो उसके बाद करेगा क्या, जब वो जाने लगेगा तो वो जाएगा तो बहुत एक हल्की सी और बहुत सुंदर शब्दों में, और उसके बारे में लिटरेचर भी बहुत अच्छा होगा, और वो एक लाइन डाल देगा, इमेजिनरी लाइन, वो बांटने वाली जो लाइन। डिवाइड एंड रूल वाला मसला तो एक दूसरा है, वो तो डिवाइड एंड रूल में तो बहुत सीधा ये होता है, एक हिंदू को मुसलमान से अलग कर देना, सवाल उसका नहीं है। तो बहुत महीन लाइन डाल देता है वो, पहले ज्योग्राफी के एक लाइन डाल देता है, और सहमति के तहत आपसे वो लाइन डलवाता है, यार इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट डूरंड लाइन जब आपकी वो डालता है तो वो आपको मालूम होगा कि ज़्यादातर पश्तूंस जो हैं वो पाकिस्तान में है, और अफगानिस्तान में जो पश्तूंस हैं वो कम हैं उनसे। तो आज की डेट में वो बेसिकली जो काम कर रहे हैं, अमेरिका वहाँ तक सोच नहीं सकता है जो कि ब्रिटिश सोचता है। उनका एक कोड है, अच्छा बहुत कम जगह हैं जहाँ पर कि ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ब्रिटेन को मिली हो। आप ज़रा सोच करके देखिए कहाँ पर उनको ह्यूमिलिएटिंग डिफीट मिली है। भाई हिंदुस्तान में तो हमारे पास सिर्फ 2-4 कहानियाँ हैं जिसमें डिफीट नहीं है, जिसमें हमने अपनी शहादत को बयान किया है, वो रानी लक्ष्मीबाई हो या फिर सिपह सालार गौस खान हो या इस तरह से, इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। या मान लीजिए टीपू सुल्तान हो, तो हमारे उनको ह्यूमिलिएटिंग डिफीट कहीं पर भी नहीं है। एक जगह है जहाँ पर कि ह्यूमिलिएटिंग डिफीट होती है, वो जगह है मेवंद, एक गांव है छोटा सा मेवंद। उस गांव में मैं गया तो ये मैं कुछ डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा, ये इसी कंपनी की नहीं नहीं ये 1884 के आसपास का टाइम है, डिफीट ब्रिटिश आर्मी का, ब्रिटिश आर्मी की। अफगानिस्तान में अगर आप एक छड़ी लेकर के जाएं, अटैक करें अफगानिस्तान को, तो आप जीत जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, बाहर नहीं निकल सकते उसके बाद, आप आ गए अंदर तो अब आप बाहर नहीं जा सकते। ये मैं आपको बता देता हूँ, रशियंस बाहर नहीं निकल पाए थे। आप रशिया की हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, वो जब गए तो फिर वो तो गजब का मसला होता है उनका तो। लेकिन जो अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर तो खैर वो बाहर आए, लेकिन अफगानिस्तान वॉज द फर्स्ट वन जब वो रिट्रीट करते हैं, और रिट्रीट रोते रोते रिट्रीट करते हैं कि भाई साहब जाने दो हमें वाला मसला था उनका। बेसिक है, आपके पास वेस्ट की फिल्म है, मतलब वेस्ट में जो फिल्म्स बनी हैं हॉलीवुड की फिल्म्स, उस पर भी है। मैं वो यूएस की यानी उसका यानी प्रोपेगेंडा वाली फिल्म नहीं है, वो सच्ची कहानियों पर आधारित चीज़ें हैं। मतलब उसमें मैं एक किस्सा भी बताऊंगा कि टैंक, रशियन टैंक के ड्राइवर जो भी है उसका, उसको जब पकड़ लिया था, वॉर ऑफ द ब्रेव मेरे ख्याल से वो हॉलीवुड की एक फिल्म है, आप वो देखिएगा, मैं उसका नाम आपको भेज सकता हूँ। वो उसमें उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन वो चतुर था,
वो चतुर्य था, वो खट से जाता, उसने पश्तून बली पढ़ा हुआ था, उनके 9 कोड्स होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे, लेकिन मैं पहले ये डिफीट बता देता हूँ। हेलमंद रीजन है, हेलमंद बहुत खुशहाल इलाका होता था, इवन आज की डेट में भी उसमें ऐसा है कि पत्थर बो दो तो पत्थर भी उग जाता है, इतनी जरखेज ज़मीन है उसकी। सबसे अच्छी अफीम जो है, जिसको ओपीएम अफीम तो मालूम ही होगा, तिरयाक वो बोलते हैं, सबसे अच्छी वहाँ पर होती है। तो मैं उस रीजन से जब गुजरा, तो खैर मैंने पहले बता दिया था कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ, तो हमारे कुछ एक दोस्त थे, तो उन्होंने बता दिया कि फलां कमांडर आपको लेने के लिए वहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद आप अगर गाड़ी, जो आपकी गाड़ी होगी वो छोड़ दीजिए, उसकी मोटरसाइकिल में बैठ करके आप जाइए, आपकी गाड़ी आएगी तो माइंस में ब्लास्ट हो सकती है, तो इसलिए आप उसके साथ जाइए। खैर हम पहुँचे वहाँ पर, मैं क्या, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ना किसी से बात करनी है ना कुछ नहीं करना, देखो थोड़ी सी जुकाम लगी हुई है, और कहीं पर बैठ करके मैं कहवा पी लेता हूँ, और कहते नहीं वो तो करते हैं, कहते कह दुकान लगा रहा, कहते हाँ, और तो मैंने कहा हाँ, कहते कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसने कहा कि अब आप ना तेज़ तेज सांस लो, तो मुझे एक जगह पर ले जाता और मतलब ऐसा गोल गोल घुमाता है, और तेज़ तेज़, और मैं करीबन 3 या 4 मिनट के बाद मेरा ज़ुकाम जो है वो ठीक हो जाता बिल्कुल, मतलब लिटरली, बल्कि 3 मिनट शायद नहीं लगे होंगे, 2 चक्कर लगाए होंगे, 1 मिनट में ही करीबन मैं लंबी लंबी सांस ले रहा था, धूल बहुत थी तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ज़ुकाम ठीक हो गया। फिर मेरे को लगा, मैंने कहा यार मेरा ज़ुकाम तो लग रहा है, अब मेरा ये सब ठीक ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कहा ऐसा क्या है, कहते यहाँ पर अफीम बन रही है, जब अफीम बन रही होती है उस इलाके में, तो उसमें पूरे रीजन में किसी को ज़ुकाम नहीं लग रहा होता है, ठीक है, वो इसलिए ठंडा बहुत है, जब गर्म होना होता है उस जगह तो बहुत गर्मी भी होती है। तो मैं लगभग गर्मी वाले मौसम में वहाँ पर था, ठंड वहाँ पर रात को बहुत ज़्यादा हो जाती है। खैर तो अब मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एक गांव जाना है, उस गांव में एक 16 साल की लड़की थी 1884 में, 1884 में, तो वो लड़की जो है उसने एक पेड़ है उसका वर्णन है, वहाँ पर उसने एक आवाज़ लगाई, लेकिन वो पोइट्री में बदल गई, तो पश्तो में उसको बोलते हैं टिक्का खानी, टिक्का खानी होती है, कोई भी पश्तो जो होगा वो उसने अपनी ज़िंदगी में टिक्का खानी ज़रूर करी होगी। टिक्का, टिक्का का मतलब टिक्का, छोटा, खानी यानी छोटा सा कोई कपलेट वो बोला होगा, और जो अपने आप बनाया होगा, तो वहाँ पर एक बच्चे से ले करके एक बड़ा जो आदमी होता है वो ये करता रहता है, वो ये बोलता रहता है, और बोलेंगे आप तो उसको थोड़ा कोई टिक करके बोलिए। ये लगभग ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, माएँ ट्रेनिंग देती हैं, बुआ हो गई, पिता हो गया, था मलाला, मलाला ये वाली मलाला नहीं, वो 1884 की एक मलाला थी, 16 दिनेश से है मेरे ख्याल से, तो मलाला ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई हो रही है, कंटोनमेंट का एक एरिया अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ था, जिसमें कि अटैक किया था इन्होंने, और फिर अफ़गानिस्तान का वो जो एरिया है वो ले लिया था, लेकिन अब इस फिराक में कि जाएं कैसे, अब बाहर तो आप निकल नहीं सकते, तो लेकिन थे उनके पास तो सैनिक बहुत ज़्यादा थे, इनके पास तो उस तरह से कोई हथियार भी नहीं होते थे, लेकिन वैलर जिसको बोलते हैं, जो बहादुरी है वो गज़ब की होती है इन लोगों की, वो मैंने अपनी आँखों से, मतलब ये मतलब आँखों से वो जो होता है ना, बिना डर, जहाँ पर डर है ही नहीं, कोई डर नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर, मुझसे कहते रहते थे कि आप डर रहे हैं, तो मैंने कहा यार डर मैं इसलिए रहा हूँ कि आप पूछ रहे हैं मेरे से, और मैं जवाब आपको जब तक देता हूँ तब तक आप मर जाते हैं, मुझे जवाब दूसरे को देना पड़ता है, ऑलमोस्ट वाली ये बात होती है उधर, मतलब हालांकि इस तरह का हुआ नहीं,
कि मेरे बगल वाला मर गया हो, ऐसा नहीं हुआ। अब वो वहाँ पर पठान लोगों ने, पश्तून ने अंग्रेज़ों पर हमला कर दिया। अब एक लड़ाई जो है वो करीबन 11 दिन चलती है वो लड़ाई। 11 दिन में आपने, अगर मैं थोड़ा सा डाइग्रेस हो जाता हूँ, मैं आपने आपने कभी कर्बला का नाम तो सुना होगा ना, एक मतलब इस्लाम में, शिया इस्लाम में इमाम हुसैन हैं, तो इमाम हुसैन की जो शहादत होती है उसके बाद एक घोड़ा है उसका नाम है जुलजनाह, है ना, जुलजनाह उसका नाम है उस घोड़े का। घोड़ा तीर लगे हुए हैं, घोड़ा उसकी एक शक्ल है, वो बनाई हुई है, बहुत सारे लोगों ने बनाई यहाँ पर हिंदुस्तान में भी, ईरान में तो खैर बनी हुई होती है लेकिन वो बहुत मशहूर है। तो वो घोड़ा जो है वापस आया हुआ, यानी उसका मालिक तो चला गया जिसमें कि इमाम हुसैन बैठते थे, वो घोड़ा ये करके, वो तस्वीर जो है वो ठीक वही तस्वीर वहाँ पर आपको क्लिक करके वो तस्वीर आपको इंटरनेट पर मिल जाती है, वो है एक ब्रिटिश डॉक्टर की। अब वो हुआ ये कि करीबन ये लड़ाई 11 दिन चलती है और इस लड़ाई में इनके पास हथियार बहुत कम है, तो पठान मर बहुत रहे हैं, अंग्रेज़ के पास बहुत अच्छा हथियार है। तो एक लड़की मलाला जो है वो पश्तो में एक कपलेट बोलती है, उसकी शादी को हुए 2 दिन हुए थे, तो वो अपने पति को कहती कि जाओ आप, मतलब पश्तून वाली जो उनका कोड है, अब उस कोड को निभाओ। तो वो चला जाता है। अब वो वहाँ पर रोज़ शाम को आकर के उस पेड़ के पास खड़ी होती है और 4th या 5th दिन है तो वो खड़ी होकर के कहती है, तो लोगों ने उससे पूछा कि आप क्यों खड़ी हैं, तो उसने कहा, रहमत उनके हस्बैंड का नाम है जिससे उनकी शादी, तो रहमत की राह देख रही है। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, अब पता नहीं है कि रहमत आएगा कि नहीं। तो रहमत जो हैं, तो उसने कहा कि मुझे सबसे दुनिया में जो सबसे चौड़ी छाती होती है उतनी चौड़ी छाती वाला रहमत चाहिए। और तो लोगों ने इसका मतलब, जिसकी सबसे ज़्यादा चौड़ी छाती, ये वहाँ पर कहा यह जाता है जो अब मर चुका है, वहाँ पर ये कहते हैं जो आदमी युद्ध के मैदान में अगर मर गया है, या जो पश्तून वाली जो कोड है उनका, उसकी उस पर अमल करते हुए जो आदमी अपनी ज़िंदगी दे चुका है, उसकी छाती सबसे चौड़ी होती है। वो कहते हैं मुझे सबसे चौड़ी छाती वाला। तो ये अब ये देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आता हूँ। आपने वेस्टर्न मीडिया में देखा होगा कि जब भी ISIS लड़ाई करती है तो वो एक आवाज़ देते हैं, अल्लाह अकबर। तालिबान क्या करते हैं? तालिबान तो अल्लाह अकबर नहीं कहते। अब आप कहेंगे अरे ये तो मुस्लिम है, हम तो अल्लाह अकबर, वो मलाला का वो कपलेट बोलते हैं, इसका मतलब है ऑपरेशन शुरू है। अल्लाह अकबर एक दूसरी बात है, बीच में अगर किसी ने कोई दुआ पढ़नी है वो कहेगा, लेकिन जो ट्रेडमार्क है उनके अटैक का, वो मलाला का वो कपलेट है कि मुझे तो अपना प्रिय रहमत सबसे चौड़ी छाती वाला चाहिए, बस खेल ख़त्म। इसका मतलब है अब अटैक करना है। तो खैर, अब यहाँ पर होता यह है कि सारे लोग मार दिए, करीबन 1300 के करीबन अंग्रेज़ थे, सब के सब मार दिए, क्योंकि जो चीफ था, अब जो बचा हुआ पठानों का जो चीफ था, उसने कहा कि ना ना ना, इसको नहीं मारना, एक डॉक्टर जो है अंग्रेज़, उसको कहा कि ले घोड़ा दे दिया अपना, कहता अब जा काबुल, और जहाँ पर तुम्हारे बड़े लोग बैठे हैं, सबसे बड़ी छावनी है, वहाँ पर जा करके खबर दे दो। तो वो अक्स है, यानी वो रिकॉर्डेड है हमारे, मतलब यानी हम लोगों के पास। उसके उन्होंने कान काट दिए थे अफगानिस्तान में, मतलब पश्तूनों में नाक काटना नहीं होता है, वो कान काटना वहाँ पर ये करते हैं कि जिसने हमारे कोड को, जो हमारा सोशल कोड है, उसको सुना नहीं, उसके तो बस कान ही काट देने चाहिए। तो वो कान कटे हुए थे उसके, तो वो अंग्रेज़ जो हैं, वाइस साहब, वो वहाँ पर चले गए।
अब वो जगह है हेलमंद। इन्होंने 2001 में जब अटैक होता है उसके बाद ये यूएस फोर्सेस जब अंदर आ जाती हैं उसके बाद नाटो आता है, तो अंग्रेज़ ने कहा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हेलमंद नहीं जाएंगे, हमें मतलब कंधार भेज दो, यहाँ पर तोरा बोरा भेज दो, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ चले जाएंगे लेकिन हेलमंद हमें नहीं जाना है। अब हेलमंद इसलिए नहीं, लेकिन तालिबान बेसिकली क्या करते थे कि कोई भी अगर दूसरा आदमी आए तो वो उसको यानी रिपेल कर देते थे उस अटैक को, लेकिन अंग्रेज़ जब भी आता था उसको आगे आने देते थे, उस पर अटैक नहीं हुए, अटैक नहीं हुए। तो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि ठीक है हम आगे बढ़ते हैं, आगे आ करके वो रोड मतलब पूरा रास्ता वो ब्लॉक कर देते हैं। जो रास्ता खुला था वो है हेलमंद का, और हेलमंद में उनको ले लेते हैं। अब यहाँ पर उनको पता है, उनकी हिस्ट्री है कि उनकी अकेली सिंगल डिफीट है जो ह्यूमिलेटिंग डिफीट थी, अब यहाँ पर आ करके क्या करेंगे। खैर अब किसी तरह से वो वहाँ पर जो हैं, हालांकि वो किसी तरह से मतलब बहुत ज़्यादा, अगर आपने देखा होगा कि नाटो फोर्सेस ने जो बमबारी करी थी उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग मरे, गांव के जो लोग मरे वो थे आसपास के उस रीजन के जहां पर ब्रिटिश फोर्सेस लगभग फंस गई थी, वो किसी तरह से उनको निकाला। तो आज की डेट में भी हेलमंद में ब्रिटिशर आपको नहीं मिलेगा, अमेरिकन चले जाते हैं। खैर ये अपना ये हो गया, मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ उस रीजन को समझने के लिए यानी पठान को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं और फिर हम आ जाएंगे आज क्या चल रहा है वहाँ पर। जैसे हमने देखा कि यहूदी जो लोग होते हैं, जो जूस हैं, उनमें 10 कमांडमेंट्स होते हैं, पश्तून वाली जो पठान हैं उनमें 9 कमांडमेंट्स होती हैं। तो पहली कमांडमेंट है, गेस्ट को वहाँ पर पश्तो में कहा जाता है मेलमा, तो मेल मस्ती यानी गेस्ट मेहमानदारी या गेस्ट को मेहमानदारी। और फिर दूसरा होता है आपके पास नानावतई होता है अगर आप पठान हैं, मैंने। और तीसरा होता है बदल, बदल का मतलब है आपने अगर मेरे भाई को मारा तो ये पक्का है कि मैं आपके परिवार से बदला लूँगा। अगर ज़रूरी नहीं है कि आज बदला लेना है, मेरा बेटा ले लेगा, नहीं तो मेरी बेटी ले लेगी, नहीं तो मेरा नाती, वो 20 जनरेशन तक, 50 जनरेशन उसमें लिखी नहीं है, कहता जब तक नहीं है तब तक आप पठान हैं नहीं, तो आपको बदला लेना ही है। और फिर वहाँ से बदला फिर शुरू हो जाता है। हालांकि इस्लाम ने जो सबसे पहला काम किया था, जिसको कि वो एक रिवाज हुआ करता था अरबिस्तान में, जिसको उस भाषा में बोलते हैं थार, इसका मतलब होता है ब्लड। तो अगर किसी ने किसी को मार दिया है तो फिर आपको बदला लेना ज़रूरी होता है। तो इस्लाम में जो प्रॉफिट ने जो पहला मतलब ये रखा, तो उन्होंने कहा कि आप वो नहीं कर सकते, यानी आप बदला लेना आप ले नहीं सकते, बदला लेने को मना कर दिया था। तीसरे नंबर का जो उनके पास जो कोड है वो है बदला, तो बदल उसको बोलते हैं। तो आपने मेरे भाई को मारा तो मैं भी आपके भाई को मारूंगा, लेकिन उनकी जो पहली कमांडमेंट है वो है नानावते, पहला तो है मेलमास्ती और उसके बाद है नानावते। नानावते बेसिकली यानी जो बदल से पहले आता है, प्रिसीडेंस उसका जो है प्रायोरिटी में वो पहले आता है। नाना वतई का मतलब होता है आपने अगर मेरे भाई को मारा और आप मेरे घर पे या मेरे कंपाउंड में आ करके, और फिर मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि आपने मेरी ज़मीन या मेरी छत के नीचे आ करके ये बात कर दी है, खेल खत्म। लोगों को भी नहीं बताना ताकि आपकी बेइज्जती ना हो, क्योंकि वो ये मानते हैं, जैसे इस्लाम में एक है, कुरान में बहुत जगह पर आता है, इस्लाम में एक जगह वलगत करम न बनी आदम, यानी हमने आदमी को जो सबसे बड़ी चीज़ दी है वो वी हैव बेस्टोड
जो डिग्निटी है वो सबसे बड़ी चीज़ हमने हर इंसान बनी आदम, यानी आदम की औलाद को जो हमने दी है उसकी डिग्निटी, तो उसकी डिग्निटी को आप खराब नहीं कर सकते। अगर इन्होंने कह दिया है कि अमान, तो बस खेल ख़त्म, आप बात ही नहीं होनी। आपने 50 लोग मारे हैं मेरे परिवार के, कुछ होना ही नहीं है। उसामा बिन लादन नाना वतई के तहत और मेल मस्ती के तहत वो वहाँ पर आते हैं और ये बात जो है वो बोलता है जवाहिरी जो अभी अलकायदा के हैं, तो उनका खेल वेल सेट नहीं है। बड़ा पैसा मिलता है, मतलब उनको वैसे अमरीका ठीक ठाक पैसे दे देता है, तनख्वाहें बड़ी अच्छी देता है वो। तो उन्होंने ये इस चीज़ को कहा है कि हम दूसरे रीजन में भी जा सकते थे, यानी लेकिन हमने पठानों को इसलिए चुना क्योंकि ये मर जाएंगे और अपने कहे के विरोध में नहीं जाएंगे। तो आपके पास जो इनकी उस उनके कोड को बोलते हैं पश्तून वाली, तो पश्तून वाली के 9 कमांडमेंट्स में ये जो पहले 3 कमांडमेंट्स हैं इस तहत में उसामा बिन लादन को इन्होंने कहीं जहां पर भी वो थे, या मान लीजिए अलकायदा, उनको अलकायदा नाम बोल उनको बोलना तक नहीं आता है। मतलब अगर किसी पठान से पूछो कि अलकायदा, तो वो अलकायदा बोलना नहीं, मतलब उसका प्रोनंसिएशन उसको नहीं आता है। वो अपना एक मूवमेंट चलाता है और वो तालिबान की मूवमेंट की जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री कोई 1979 के बाद जब रशियन इन्वेजन शुरू होता है वो तब की नहीं है, वो जमालुद्दीन अफगानी और उससे पहले की बात होती है, जो कि इसी के तहत चलता हुआ। वो ये कहते हैं कि हमारे घर में मेहमान बन करके आप आ सकते हैं, हमारे घर में अगर कुछ खाने को नहीं होगा तो हम अपनी बोटी आपको खिलाएंगे, लेकिन आप मेरे घर में रौब में नहीं आ सकते हैं, घुस मेरी इजाज़त के बगैर। आप अगर ये कहें कि मैं आपकी पनाह में आना चाहिए ना, मेरा सब कुछ आप पर न्योछावर है, लेकिन रौब कहीं नहीं चलेगा, रौब से आ गए फिर आप बाहर जा नहीं सकते। अब सवाल ये, अगर ऐसा है तो अब क्या होगा? जो वहाँ पर दिमाग काम करता है नेटो फोर्सेस में वो अमेरिकन्स नहीं है, अमेरिकन्स ठीक है वो स्टेट क्राफ्ट को थोड़ा सा लेफ्ट राइट थोड़ा देखते हैं ऊपर ऊपर जिसको, लेकिन जो केमिस्ट्री पहचानता है स्टेट की वो है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का जैसे हमने पहले आपको बताया कि वो अगर जाएगा तो वो एक हल्की सी एक दीवार खड़ी करके चला जाएगा, जिसमें कि वो लगातार उसी में जिसको बोलते हैं ना बेताल वाली जो रेखा है, वो उस रेखा को आपको जो दिखेगी नहीं वो आपके बीच में छोड़ करके चला जाएगा। अब उन्होंने छोड़ दिया, और जब ये चीज़ हो गई वहाँ पर आज की डेट में भी, हालांकि जो न्यूज़ आपको जिस तरह से हमें सुनने को मिलती है सुन्नी ने शिया को मार दिया, उसने वहाँ पर रिलीजन की कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वहाँ पे एथनीसिटी की कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री रही है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बाबर के टाइम से वो फरगना से लेकर के यहाँ पर बहुत पीटा जाता है वो काबुल के आसपास, वो दूसरी बात है। हालांकि काबुल में उसका यानी जो उसकी कब्र है वो भी काबुल में ही है, लेकिन है। तो अब वापस जाने के लिए ये तो अब सबको पता है कि विड्रॉ तो होना है, और विड्रॉ अगर होना है तो तब आप क्या करेंगे, ऐसे में क्या करेंगे? तो हम जहाँ पठान रहते हैं वहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि डोमिनेंट एथनिसिटी एथनिक जो ग्रुप है वो तो पठान है वहाँ पर, लेकिन पठान कहाँ है? पठान तो पाकिस्तान में, मतलब ज़्यादा पठान जो है वो तो पाकिस्तान में, और इधर जो डूरन लाइन के इस तरफ पठान है वो तो अपना एकदम वो उससे बहुत कम है। अब होगा क्या, करना क्या है? तो एक डूरन लाइन के आसपास एक और लाइन होती है बाटा का जो रीजन है, उस रीजन में एक छोटा सा मूवमेंट शुरू होता है,
मंजूर पश्तीन का आपने इन दिनों में नाम सुना होगा, यंग सा बच्चा है वज़ीरिस्तान का। जी बिल्कुल, फाटा, फिर वो इवन मियाँ वाली तक आपके पास वो लाइन वो जो जाती है। उस रीजन में ये है कि पंजाबी और पठान, क्योंकि आर्मी आपके पास, जो आर्मी के पास ऑर्डर देने का जिसके बाद लड़ने वाला सोल्जर जो पाकिस्तान में, वो NWSP का है, वो पठान है उसके पास। आपके पास जब भी कारगिल होता है या कहीं भी, मतलब इस वाला जो भी सबसे कठिन लड़ाई कश्मीर की लड़ाई होती है, तो वहाँ पर पंजाबी नहीं लड़ता है, वो उनका कैप्टन या मेजर जो है वो पंजाबी ज़रूर होगा, लेकिन लड़ने वाला जो आपके पास हवलदार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वो आपके और जो सैनिक होगा वो लड़ने वाला NWFP का होगा। NWFP का मतलब है ऑलमोस्ट पठान, बाकी और कुछ नहीं। हो सकता है थोड़ा सा बलूच रेजिमेंट के कुछ लोग हों, लेकिन अब दरअसल में क्या होगा, पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी मुश्किल इस समय कोई इकोनॉमिक मुश्किल बहुत बड़ी नहीं है। कितनी मुश्किल है, करीबन 1.5 साल तक उनकी कोई मुश्किल नहीं होगी अगर उनके पास $10 बिलियन आ जाए। $10 बिलियन आना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, मेरे ख्याल से 1.5-2 बिलियन मेरे ख्याल से उसने कह दिया है, सऊदी अरब ने कह दिया है कि 1.5 बिलियन के करीबन हम दे देंगे। हालांकि वो उसमें देगा कि आप तेल का पैसा बाद में दे देना, 1.5 बिलियन तो वो काफ़ी एक बड़ा पैसा है। फिर अभी थोड़ा सा ये कि इमरान खान शायद अब ये करेंगे कि अपने जो उनके एक्सपैक्ट्स हैं उनको कहेंगे कि कुछ पैसा जो है अपना भेजो इधर, तो वो शायद वो भेज सकते हैं। तो इकॉनमी की बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इस मूवमेंट को, मैं मंजूर पश्तीन को बहुत अच्छा आदमी मान रहा हूँ, लेकिन ब्रिटिशर्स बड़ा अच्छा फ़ायदा ले गए इसमें। उन्होंने क्या करा कि इस मूवमेंट को पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है, इस तरह की इक्वेशन वो हुई है कि इस मूवमेंट के तहत ही आप अफगानिस्तान के साथ अपनी रिलेशनशिप आपने बिगाड़नी है या अच्छी करनी है, आप इस तरह से, यानी ये सेंटर में आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। खैर, अब ये तो उनको करना ही होगा, अब अगर ये करना होगा तो बैकलैश आपके पास, पंजाबी का बैकलैश होगा। पंजाबी तो आपके पास करीबन 20-22 करोड़ तो सिर्फ 20 करोड़ के करीबन तो पंजाब प्रोविंस में आपके पास, बाकी भी जगह हैं, मतलब और भी जगह हैं उनकी, लेकिन यहाँ से आपके पास बैकलैश। तो अब जो है एरिया जो है वो अफगानिस्तान नहीं रहेगा, अफगानिस्तान से वो डूरंड लाइन से इस तरफ का, जिसमें कि खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान, पाटा का पूरा इलाका, बलूचिस्तान, ये इस इलाके में जिसको बोलते हैं जो बैटल एरिना है, वो अफगानिस्तान से बदल करके इस तरफ आएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में उस तरह से जो इनको चाहिए था वो मिल चुका है। किसको मिल चुका है? US को या नाटो फोर्सेस को। नाटो फोर्सेस को बेसिकली क्या, वो हमेशा काबुल की सरकार को कभी गिरने नहीं देंगे, उनको इतना ही चाहिए, उनको ये चाहिए कि जो जिसको सो कॉल्ड लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, जिसको कि स्टेट का नाम देते हैं, स्टेट को जो रिप्रेजेंट करेगी, वो हमारी सरकार होनी चाहिए। उसमें चाहे आपका करजई हो, चाहे गनी हो, या वो दोस्तों आ जाए या कोई आ जाए, हालांकि दोस्तों वगैरह ये लोग आ नहीं सकते हैं, उनको एक पठान रखना ही होगा है। तो ये आपके पास यहाँ पर ये वो करेंगे। अब सवाल ये हो रहा है कि ये छोड़ तो देते हैं, मतलब इनका विड्रॉल जो है, विड्रॉल तो बहुत हो चुका है। अगर आपको मालूम होगा कि आपको सोल्जर्स जो हैं वो अब काबुल में, अगर किसी वेस्टर्न सोल्जर को आपने देखना होगा तो आपको हफ्ते में एक आध कोई दिख जाएगा, 2 हफ्ते में एक बंदा दिख जाएगा किसी गाड़ी में जल्दी जाता हुआ, बाकी आपको नहीं दिखते। उनके पास अभी वो रीजन जो है उनके पास, जैसे मान लीजिए कुंदूज का एरिया है, अतराफ के जो एरियाज हैं उस एरिया में थोड़ा बहुत ये कि काबुल बचा के रखा जाए, तो काबुल वो बचा जाएंगे, उस पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो लेकिन काबुल को इस तरह से बचाएंगे कि काबुल हमेशा
के लिए वो नाअमन रहेगा, वहाँ पर सिक्योरिटी नाम की कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर इस बात का, मतलब ये बात करने का, मैं कोई सूत्र देने के लिए आपके पास नहीं आया हूँ। ये एनेक्डोटल जो मसले हैं इनको मैं थोड़ा आपके सामने रखना चाहता था कि आप जब अफगानिस्तान को पढ़ें तो आप किस तरह से पढ़ें, किस आपका रेफरेंस पॉइंट आपका कहाँ से होगा। तो उस रेफरेंस के सिलसिले में हमारे पास, तो मेरा अपना ये मानना है कि अफगानिस्तान की बजाय अब पठान एरिया जो आपके पास पाकिस्तान का है, वो रीजन अब आपके पास बैटल एरिया है, इसमें आपको शक नहीं। अब अगर वो वहाँ से लेके यहाँ पर आता है तो देखते हैं फिर उसमें क्या होता है। और अफगानिस्तान जो है आने वाले, मतलब बहुत लंबे समय तक, मैं तो उसके एटर्निटी तो कुछ होती नहीं है पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल या वॉर में, कभी भी कोई एटर्निटी होती नहीं है, लेकिन एक बहुत लंबे समय के लिए अफगानिस्तान इसी तरह से रहेगा। दैट काबुल विल बी सेफ फॉर दी स्टेट्स क्राफ्ट, लोगों के लिए नहीं, लोगों के लिए सबसे ख़तरनाक है। ज़िंदा रहने की जगह वहाँ पर वही है जो मैंने पहले बताई थी, वो जो जहाँ पर ताबूत बिकते हैं, उसके अलावा आपके पार्लियामेंट, नो नॉट एट ऑल, अभी पिछले दिनों रॉकेट मार दी, आप किस चीज़ को, किस चीज़ से डिफेंड करेंगे अपने आप। फिर रॉकेट जब चलेगा तो रॉकेट से तो आप बच नहीं सकते हैं, तो आप करेंगे क्या, ये आपके पास किस तरह से रहेगा। ये विड्रॉ और भी कर सकते थे, लेकिन वो विड्रॉ उस वॉइड को कौन फिल करेगा, वो इस तरह से ये देखने के लिए, उस वॉइड को फिल करने के लिए तो उसके पड़ोसी हैं, पाकिस्तान में दम नहीं है वॉइड फिल करने का, क्योंकि तालिबान बहुत, जो वहाँ का इंडिजिनस तालिबान है वो पाकिस्तान को, वो ये कहते हैं ये इस्लाम के लिए तोड़ना कोई लड़ता है, ये तो इस्लामाबाद के लिए लड़ता है, तो इनका इस्लाम जो है वो इस्लामाबाद है, वो इस तरह, वो उनका बाकायदा बहुत एक मतलब दृष्टि से उनको देखा जाता है। दरअसल में ये है कि ईरानियंस जो हैं इस वॉइड को फिल न करें। आप कहेंगे ईरान और तालिबान, तालिबान तो सारे सुन्नी और ईरान तो शिया है, तो वो कैसे होगा। आप ये देख लीजिए आज की डेट में जो बेस्ट रिलेशनशिप जिसको बोलना चाहिए तालिबान की, वो ईरान के साथ है, बेस्ट मतलब उसको बोलना, मतलब ऑन रिकॉर्ड ज़्यादा ठीक भी नहीं होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की रिलेशनशिप उनकी है वो बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। हिंदुस्तान उस वॉइड को किसी भी रूप में वहाँ पर वो नहीं कर सकता है, लोगों में हिंदुस्तान। अच्छा, अगर आप को हिंदी अगर सीखनी है और आप मान लीजिए तंजावुर से अभी अभी आए हैं और आपको हिंदी सीखनी है, तो आप किसी यहाँ पर मत करिए, दिल्ली बॉम्बे की जो जितनी टिकट होती है उससे थोड़ी से कम में दिल्ली काबुल दिल्ली की टिकट आपको मिल जाती है, करीबन $200 के आसपास की आपको टिकट मिल जाती है। थोड़ा लंबा समय के लिए अगर आप वो करेंगे तो $150 में भी आपको टिकट मिल जाती है, मतलब टू एंड फ्रो। आप जाइए वहाँ पर, उतरिए, डरिए मत, मरेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी वहाँ पर आपको कोई भी सिखा देगा, या तो प्रेसिडेंट के पास चले जाइए या वहाँ पर जो मोची है उसके पास चले जाइए, ही टीच यू द बेस्ट, उसका तरीका बहुत अच्छा होगा, वो आपको हिंदी सिखाएगा। तो हिंदी के, हिंदी और हिंदुस्तानी बहुत उसका सम्मान है, इसलिए सम्मान नहीं है कि हिंदुस्तान ने मदद करी है उसकी, ना ना ना, इसलिए नहीं है। वो सिर्फ है, मामला है वो आपकी फिल्म्स का, वो आपके कैरेक्टर को देख रहे हैं कि अंत में वहाँ पर जो गंदा आदमी होता है वो चाहे किसी इलेक्शन में 300 के करीबन उसको पार्लियामेंट की सीट मिल जाए, और जो जिसका एक मतलब, लेकिन अंत में वो मारा ही जाता है। तो हमारी फिल्मों में लगभग यही होता है ना, आप कितने भी आप गब्बर सिंह क्यों ना हो, आपको बिना हाथ वाला आदमी भी मार देता है। तो वो इस कैरेक्टरिस्टिक से हिंदुस्तान को देखते हैं, वो हिंदुस्तान की बहुत इज्जत होती है। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, मजाल है कि आपसे, आप जिसने पैसा मांगा है उसका कत्ल वहीं पर हो जाएगा, वो ख़त्म,
आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान से आपके पास एक आदमी आया, उसने आपके यहाँ पर भोजन किया है, इससे और बड़ा क्या सत्कार होगा आपका? बस ठीक है, आप आइए। तो मैं, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, मतलब हम बाहर तो जा नहीं सकते थे, बाहर अगर जाना है तो बख्तरबंद गाड़ी में, तो मैं कहता था भैया मैं हो गया हूँ परेशान, मैं नहीं कर सकता, मैं तो जा रहा हूँ बाहर। तो वो कहते थे लिखो आप, लिख करके जाइए। तो मैं लिख के जाता था, बाहर आता था पैदल आता जा रहा हूँ, ठीक है। तो अपना पैदल गए, तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, हेरात रेस्टोरेंट। तो हेरात रेस्टोरेंट में इसलिए जाता था, वहाँ पर ज़ाफ़रान की चाय बहुत अच्छी मिलती है, तो और बाकी तो खाना तो बहुत ही अच्छा, सादा खाना खाते हैं वो लोग और बहुत अच्छा खाना खाते हैं, तो पौष्टिक खाना होता है, आपको पीट पीट के वो शहद पिलाते हैं, इतना मतलब एक कहते हैं बनेगा कैसे शरीर, तो शहद पियो आप। अब शहद का किस्सा मैंने आपको बताया कि उनका एक अटैक था, मतलब उनकी डेट ख़त्म हो रही थी, तालिबान का एक ये भी इस तरह का ये भी होता है, वो डेट दे देते हैं कि आज से 28वें दिन के अंदर अंदर हम ये अटैक करेंगे, हफ्ते भर का टाइम ये देते हैं कि आप यहाँ से सिविलियंस चले जाएं, उसके बाद हमें मतलब फिर तोड़ना है हमें फला जगह पर, ठीक है। तो उनका वो टाइम बीत रहा था, अब वो टाइम बीत रहा था तो ये हो गया था कि अब अटैक जो है मान ले जाए वो इस समय होना, तो वो हो गया शुरू। अब हम एक दूसरी जगह पर थे, तो खैर मैं उस जगह वहाँ से तो मैं बाहर निकल नहीं सकता था, इनके बीच में था मैं। तो उन्होंने कहा कि सुबह से लेकर के और 2 बजे तक उसने कुछ खाया नहीं था, सुबह कुछ गया था वो मट्ठा वट्ठा पी करके, उसने कुछ मारा वारा होगा कुछ इस तरह से, उसको कोई चोट नहीं लगी। तो उनका एक बंदा वापस आ गया, तो उसने कहा क्या है खाने के लिए, तो धूल वूल वगैरह काला हो करके चाह रहा है हुआ, तो उसने कहा कि क्या है, तो उसने कहा कि नान है, तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, तो नान, तो नान होता है वहाँ पर किलो 1.5 किलो आटे का एक नान होता है। और उसने कहा कि प्याज है, तो उसने कहा कि प्याज नहीं है, कहते शहद है, कहता है और क्या चाहिए, तो वो शहद ऐसा शहद शहद रहा होगा उसको हम, तो आप उसको क्या कहते हैं, तो जो शहद के वैक्स के साथ एक पूरा उसकी एक वो जो पूरा उसके ऊपर उसने रखा, तो करीबन अगर मैं उन दोनों चीज़ों को अगर उठाने लगूँ तो मैं उठा नहीं पाऊँगा, क्योंकि 1.5 किलो आटे की रोटी प्लस 1.5 किलो का वो वैक्स समेत वो जो उनका वो होता है, वो अपना खा के बिल्कुल निर्विकार भाव से कहता है ठीक है खुदा हाफिज़ अमानंदा हम चलते हैं, यानी लड़ाई करने के लिए भी खाना पीना खा लिया आप चलते हैं, उसके आपको उनका दूसरा सोल्जर आता है इस तरह से। तो खाना जो है, तो आप अगर जाएं तो एक तो आपकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आबो हवा बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डरने मरने से मत डरिए, वहाँ पर जब आप जाते हैं आप किसी भी लिहाज से किसी पाकिस्तानी के आसपास, हालांकि पाकिस्तानी की ये ज़रूरत है नहीं कि वो ये डिक्लेयर कर दे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानियों से बहुत नफरत करते हैं वो लोग, आम आदमी भी और बाकी भी। आप अगर कोई कपड़ा लेने के लिए जाते हैं तो आप ये डिक्लेयर करिए कि आप हिंदुस्तानी, और ज़्यादा मत लीजिए क्योंकि आपसे पैसे नहीं लेंगे, गरीब देश है, तो आप एक ही रेस्टोरेंट में लगातार मत जाइए क्योंकि उसी का बेचारे का घाटा होगा, हालांकि आप कितना खा लेंगे, आधा नान खा लेंगे, आधा क्या 1/4 खाएंगे, इतना सा कबाब खा लेंगे, उनका तो बच्चा खा जाता है इतना, तो वो एकदम इस तरह से यहाँ पर ये है। तो लड़ाई का जो एरिया है वो आपके पास, मैं यहाँ पर इसको इस सेंस में ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान की तरफ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पे अटैक, लेकिन जो अरीना होगा, जो पानीपत होगा, वो खैबर पख्तूनख्वा वाला और बलूचिस्तान वाला एरिया होगा, उसमें बलूचिस्तान हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, कुछ है नहीं ऐसा वो मसला, हम कहीं भी हैं नहीं इस लड़ाई में, और इस जियोपॉलिटिकल जो हमारे नफ़ा या नुकसान है वो जो हमारे फ़ायदे हैं उसमें हम कहीं पर भी नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हमें कहीं पर फ़ायदा हो रहा है, नुकसान बहुत हो रहा है, मतलब
इस एरिया में लड़ाई आने का मतलब है कि हम पर बड़ी आंच आने वाली है, तो वो एक दूसरी बात है। उस वॉइड को जो ख़त्म करने वाला होगा वो ईरान होगा, और आप ये मान करके चल लीजिएगा कि मैं ईरान को मैंने खूब पहचाना हुआ है, मतलब मेरी ससुराल भी ईरान ही है, तो मैं उस कैरेक्टर को पहचानता हूँ। वो बेसिकली क्या है कि सबसे अच्छा, जैसे मैं उसको फिर ये कह देता हूँ कि अमेरिका का जो सबसे बेस्ट और नेचुरल एलाई है और हमेशा रहेगा, और जो था भी पहले और आइंदा भी रहेगा और इवन आज की डेट में है, वो है ईरान। ईरान इज एब्सोल्युटली द बेस्ट एंड द मोस्ट नेचुरल एलाई ऑफ यूएस। तो ईरान जो है इस तरह से बाहर, ये आपको ये मिलती है कि वो उस पर सैंक्शन लगा देंगे तो क्या होगा, लगे रहे तब भी क्या हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि यूएस जो है, ये मान लीजिएगा, यूएस बेसिकली उस व्यक्ति की तरह है जो थोड़ा सा अनपढ़ होता है। कैरेक्टराइजेशन बेसिकली मेरा हमेशा ये रहा है, अनपढ़ सा होता है, अब ये होता है ना कि हमारी गली के बच्चे को मार दिया तो फिर मेरी गली के बच्चे को मार दिया तो वो उस पर हमेशा वो कहीं ना कहीं हाथ साफ करेगा। हिस्ट्री उसकी, जो इस मॉडर्न हिस्ट्री में अगर देखें तो उसने हमेशा ऐसा किया। ईरान अकेला मुल्क है जिसने जितना उसको बेइज्जत करना था यूएस को वो किया, वो फिजिकल बेइज्जती से ले करके और बाकी लिटरेचर में वो क्या बेइज्जती कर सकता। उनका एक सोल्जर जब बोलता है तो उसकी काट आपको नहीं मिलती है। ट्विटर के आपके कैरेक्टर कितने होते हैं सर, ट्विटर के 140 होते हैं, वो 10 अक्षरों में ऐसी बात कर देता है कि ये जो अनपढ़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर है, क्या नाम है इसका, ट्रम्प। तो ट्रम्प जो है ये क्या, उसको प्रेसिडेंट बोलना भी ठीक नहीं है, वो कंस्ट्रक्टर टाइप आदमी है ना। तो वो मतलब ट्विटर में 140 में आप कोई गजब की पोइट्री लिखते हैं, वहाँ का एक सोल्जर जिसने पढ़ा नहीं है वो 10 वर्ड बोलेगा जो आप समझ नहीं पाएंगे। वो लगभग वही वाली बात होती है कि एक आदमी गुजर रहा था तो उसने शेर, लोमड़ी, जो भी है मतलब जानवर थे, उनको कोई चुटकुला सुनाया तो सब बहुत तेज़ी से हंसे। उसके हफ्ते भर के बाद वो वहाँ पर आए तो एक गधा एकदम बाहर आया, कहता भाई रुक, और वो बहुत तेज़ी से हंसने लगा। तो उसने, क्यों भाई क्यों हंस रहा है, मेरी शक्ल पे कोई मतलब कुछ मतलब ऐसी, कहते नहीं नहीं यार, कहते उस दिन एक हफ्ते पहले जब तूने जो सुना था आज समझ में आया है। तो इनकी समझ में वो वही वाले गधे हैं ये। मैं इनकी बहुत कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ इरानियंस की, ये बहुत अच्छे लोग होंगे बावजूद इसके कि ये मेरी ससुराल है, लेकिन मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे आदमी होंगे, लेकिन लिटरेचर से लेकर के स्टेट क्राफ्ट से लेकर के किस तरह से पीछे हटना है, लड़ाई का उनका जो सिद्धांत है कि लड़ाई में आप कैसे पीछे हटेंगे, आप कुछ अटैक करने के बाद, या आप पर्शियन एम्पायर से सीखे, और वो बाकायदा इस, वो उसको अपनी, वो जिसको बोलते हैं ना एंसेस्ट्रल जीन्स जो हैं उनके जीन्स में है इस तरह का है। तो हमारे पास तो ये हो गया। सब जगह लीबिया का हाल आपको मालूम ही है कि क्या, आपको मालूम होगा कि लीबिया यानी गद्दाफी, मेरे इस सेंटेंस लीबिया के बारे में अगर ज़रा सी मैं बात अगर करता हूँ तो उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं गद्दाफी का समर्थक हूँ, आपको ये ना समझ, लेकिन मैं तालिबान का भी समर्थक हूँ, ईरान का भी समर्थक हूँ, और वगैरह वगैरह इन सब का, बशर अल असद का समर्थक हूँ या हिजबुल्ला का समर्थक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इस ये वाला, इस पर्सपेक्टिव, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वहाँ से आप ये देखिए, मेरे कोई ससुराल वाले तो बैठे नहीं ईरान के अलावा, बाकी ये तो है नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि गद्दाफी के टाइम पर आपको मालूम होगा कि शाम को यंग बच्चे, आप लोगों की उम्र के लोग जैसे कहवा पीने के लिए बैठ गए, मौज मस्ती करते हैं, अपना कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जैसे सेंट्रल प्लेस होता है, जैसे
शायद हमारे ज़माने में वो कनॉट प्लेस हुआ करता था, डीप हॉल्स टाइप के, उस समय तो बाकी ऐसे रेस्टोरेंट होते नहीं थे, तो छोटे छोटे कप में, कागज़ वाले कप में कॉफ़ी पीने से आपको ऐसा लग रहा था कि आप हिंदुस्तानी, मेरे टाइम पर, कि आप हिंदुस्तानी नहीं, आप ये स्टारबक्स वाला जो कैलिफोर्निया वाले लोग हैं आप, मतलब हमारे टाइम पे तो ये वाली भावना आती थी। आज भी आप तो खैर स्टारबक्स वगैरह खुल जाते हैं। तो जैसे लीबिया में, त्रिपोली में अगर आप ऐसे खड़े हैं तो एकदम से चारों तरफ से आपको पुलिस उनकी घेर लेती थी और आपसे आपका आई कार्ड मांगती थी। ये तो बड़ी, आपको यहाँ तक तो बड़ा गलत लग रहा है ना, आई कार्ड मांग लिया। लड़के हैं लड़कियाँ हैं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मांग लिया तो आई कार्ड खट से उन्होंने अपना उसमें जैसे भी देखना है या फ़ोन करके मतलब पूछ के, कहते हाँ भाई कुछ नहीं पूछना, शराब पी रखी नहीं पी रखी, जिसने पी रखी आओ, कुछ कोई लेना देने नहीं। हाँ भाई पढ़ाई कितनी करी है इसने, कहता जी इसने मतलब अभी इसने यूनिवर्सिटी ख़त्म नहीं की, ठीक है खट से पकड़ा, यूनिवर्सिटी नहीं करी है, वहीं से पकड़ा, आपको ले जाते थे उनका एक पल दिया, एक एक इंटीरियर मिनिस्ट्री होती थी, आपको रात को वहाँ पर ले जाएंगे, वहाँ पर रखेंगे, कपड़े आपके लिए बढ़िया, सूटकेस वगैरह तैयार, पासपोर्ट आपका तैयार, वीज़ा तो खैर लीबिया के लिए कोई प्रॉब्लम थी नहीं एक ज़माने में, और आपको यूएस मतलब या फ्रांस या जहाँ मर्जी वहाँ आपको भेज दिया। जब तक आप पढ़ करके नहीं आए एंटर नहीं कर सकते, पर्सोना नॉन ग्राटा जिसको बोलते थे। तो पढ़ाई आपने ये करनी तो वो फ्री था, सरकार ने सारे पैसे आपको देने, पढ़ क्यों नहीं है, घर आपके लिए फ्री था, आपके लिए पानी फ्री था। अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का जो बेस्ट पानी है वो, तो ठीक है रिलीजियस दृष्टि से मुस्लिम्स मानते हैं कि आब जमज़म उसकी वो उसकी उसकी धार्मिक महत्ता है, लेकिन दुनिया का सबसे सबसे अच्छा पानी वो लीबिया का पानी है, अब नहीं है, अब लीबिया में पानी नहीं है। अब आप बोलिए कि पानी नहीं है तो वो क्या काम है, पानी पानी मतलब जिस समय इसको घसीटा जा रहा था उस समय ये लिख लिया गया कि ये पानी जो है इस पर जो राइट है वो राइट है फ्रांस का, पानी ले गया फ्रांस, इधर का तेल ले गया जो मतलब जो उसका तुनिसिया वाला जो बॉर्डर है, सिर पे वाला जो एरिया है वो तेल ले गया यूके, बाकी का ले गया यूएस, कुछ दो चार किस तरह से वो बांट दिया गया। अब सवाल ये है लीबिया की ताकत और सीरिया की ताकत को अगर आप कंपेयर करें तो लीबिया के पास बड़ी ताकत थी, सीरिया तो अभी तक बचा हुआ है। हालांकि सीरिया के बारे में हमने एक बात करी थी डेढ़ एक साल पहले, वहाँ पर कुछ बचा नहीं हुआ है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, कोई कुछ नहीं बचा हुआ है वहाँ पर। एक छोटा सा इलाका है जो कि मतलब शिया सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज जिसको बोलना चाहिए, वो थोड़ा बचा हुआ है, हज़रत मासूमा जो हैं वो वहाँ पर है, और प्रेसिडेंशियल पैलेस है, और एक होटल है फाइव स्टार या सेवन स्टार, वो ईरानियों का होटल है, तो मतलब जिसमें कि ईरानियंस बेसिकली उसको, तो लेकिन स्टेट बची हुई है सीरिया एज स्टेट, वो बची हुई है। और लीबिया में आपके पास क्या बचा हुआ है, ज़ीरो, न पानी है न बिजली है, पढ़ाई तो छोड़ दीजिए, जहाँ ज़िंदा रहना आपको पता नहीं है कि आप ज़िंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी आपको पता नहीं है, तो ये कैसे बच गया और वो कैसे। तो हम सबको पता है कि जैसे ईरान वहाँ पर उसने उसको बचाया, तो वो बचाने का जो सेंस है, अगर अमेरिका ईरान पर बम डाले जो कि कभी हो नहीं सकता है, ईरान पर अगर बम डाले तो ईरान उसको अपने को बचाने से पहले सीरिया को बचाएगा। ये रिटन डॉक्यूमेंट है, एक ईरान का थिंक टैंक है, वहाँ पर जब थिंक टैंक बोला जाता है तो वो ऐसा थिंक टैंक नहीं होगा कि
जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो। उस थिंक टैंक की एक वेबसाइट भी है, वो वेबसाइट चार एक महीने में 2-3 सेंटेंस उस पर नए जुड़ जाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। उसका नाम है करारगा है अम्मार बेस। उसमें 3 भाई हैं, वाइजी भाई हैं, वो ट्रियो मेहदी वाइजी, अली वाइजी और हुसैन वाइजी। तो मेहदी वाइजी ने 2012 में एक स्टेटमेंट दी थी, खुर्रम शहर एक उन ईरान की अस्मिता वाला एक शहर है, शहर का नाम है, जो कि बहुत मतलब उनको ये है कि उन्होंने इराकियों से उसको कैसे यानी फिर दोबारा रिकैप्चर किया। तो खुर्रम शहर को बचाना मतलब वो मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो मेहदी वाइजी ने एक छोटी सी स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट थी कि अगर खुर्रम शहर पर हमला हो और उसी समय सीरिया पर हमला हो तो हम पहले सीरिया को बचाएंगे, क्योंकि अगर सीरिया बचा रहे, क्योंकि बावजूद इसके कि अगर खुर्रम शहर अगर ढह भी जाए तो हम उसको दोबारा रिकैप्चर कर लेंगे, लेकिन अगर सीरिया ढह गया तो फिर ईरान ढह गया। और इसी स्टेटमेंट को लेकर के उनकी फॉरेन पॉलिसी काम करती है सीरिया में। ईरान यमन को कभी भी छोड़ सकता है, तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो बेसिकली क्या करेगा कि थोड़ा सा सऊदी अरब को किसी तरह से एंगेज करने के लिए, ये पक्का पता है कि भाई सऊदी अरब पर आप अटैक नहीं कर सकते, मतलब यमन अटैक नहीं कर सकता है। वो लगभग वही बात है भाई, उसके पास सोल्जर ही पाकिस्तानी है, अपने तो उनके गरीब होते नहीं है ना, उनको चला नहीं जाता है भाई। वो तो ये कहता है, उनका सोल्जर ये कहता है कि भैया मेरी गाड़ी में तो AC होना चाहिए, तो फ्रंट पे तब जाऊंगा, तो वो जाते भी नहीं। तो वो पाकिस्तानी होते हैं बेचारे, या मान ले जाए और दूसरी जगहों के होते हैं, मिस्री होते हैं या टूनिशियंस होते हैं, उनके पास सोल्जर्स, अपने सोल्जर्स उनके नहीं। तो भाड़े पर आप जंग नहीं जीत सकते, वो आप डिफेंड कर सकते हैं वो दूसरी बात है, अटैक तो कर वो इस तरह से करेगा नहीं। तो उसने यमन को इसलिए, मतलब जो वहाँ पर अंसार अल्लाह नाम से एक जो मूवमेंट है, जिस तरह से उधर तो फोर्सेस, तो ऐसा तो लग रहा है कि विड्रॉल ऑफ फोर्सेस नाटो का होगा ही, मतलब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम की तब होगा। लेकिन जब अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट ही US सिटीजन हो तो उस विड्रॉल का क्या मतलब? जो अभी प्रेजेंट में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ के कमांडर ऑफ द US फोर्सेस इन अफगानिस्तान के पॉलिटिकल एडवाइजर थे फॉर्मली। हाँ? इसके पहले वाले भी ऐसे ही थे। हाँ, वो तो वो चाहे वो अफगान नेशनल, तो इसका मतलब वो कि जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स है वो तो नाटो का क्लोन है। और दूसरी एक बात जो दिख रही है कि अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान बोलना आपकी एक टॉक के बाद सही लगता है, काबुल की जो सरकार है, काबुल के 3.5 किलोमीटर वाली सरकार, हाँ, जो काबुल के 3.5 किलोमीटर की सरकार है जिसमें, अच्छा, वो 3.5 किलोमीटर के अंदर भी आपके पास एक्सप्लोजन होते हैं, वो कोई सरकार, बस स्टेट के किताब में जो है काबुल नाम की किताब वाली जो सरकार है, तो काबुल के 3.5 किलोमीटर क्षेत्र में जो सरकार है उस सरकार के अंदर के लोग ऐसे ऐसे प्रस्ताव रख रहे हैं, जो अभी पिछले दिनों आए हैं उनके सरकार के एम्प्लॉय भी हैं, वो प्रस्ताव रख रहे हैं कि अफगानिस्तान को, ऐसे तो कायदे से उनको अफगानिस्तान के बारे में बोलने का लोकस स्टैंडाई नहीं है, वो एक रीजनल कंसोर्टियम को 50 साल तक के लिए हैंडओवर कर देना चाहिए कि इसको फिर से रिवाइव करें, रिजुविनेट करें इस तरीके से। दूसरी एक बात थी कि अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले वहाँ का इंडिपेंडेंस डे था, आप जब ड्यूरंड लाइन की बात कर रहे थे तो मुझे ध्यान आ रहा था कि जो इंडिपेंडेंस डे अफगानिस्तान का 19 अगस्त का है, वो 1919 में जो थर्ड अफगान वार हुआ था, एंग्लो अफगान वार, बिल्कुल इसकी मेमोरी में। लेकिन ये बात समझ में आती है कि आप जो बोले कि लकीर खींच करके उस
जो थर्ड अफगान वार था उस वार में ड्यूरल लाइन को स्वीकार कर लेना, वार के बाद जो टीटी हुई वो, और अभी पिछले दिनों जिक्र कर रहा था मैं कि हम, इसलिए मैंने जो टाइटल रखा था इसके टॉक का, तो मैंने उससे पहले एक, मैं एक पेपर पढ़ रहा था, उसमें बोल रहे थे कि अफगानिस्तान पिछले 300 साल से क्रिप्टो कॉलोनी रहा, मतलब नॉमिनली इंडिपेंडेंट लेकिन मैसिवली डिपेंडेंट फॉर इकोनॉमिक रीजन। लेकिन दूसरी बात है कि अफगानिस्तान में आप, राकेश जी कुछ दिन, दो तीन दिन पहले अफगानिस्तान का उस इलाके का जूता दिखा रहे थे जिस इलाके जो जूता वहाँ पे बना, तो मुझे कि अफगानिस्तान में जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन, प्रोडक्शन और कंजम्पशन है दोनों लोकल है। तो एक तरीके से जो ईरान में कभी जो सैंक्शन लगेगा तो अल्टीमेटली वही लोकल कंजम्पशन, लोकल प्रोडक्शन, बिल्कुल तो स्थिति अफगानिस्तान में तो पहले ही ऐसी। लास्टली एक बात में सोच रहा कि ऐसा भी कहते हैं सर कि अफगानिस्तान, आपने पासिंग रेफरेंस में बोला ही कि अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, तो ये जो कब्र खोदने जा रही है अभी जो वहाँ के हैं वो जीवित रहने का अपने आप का जो प्रयास कर रहे हैं इनके जरिए, अशरफ गनी के जरिए या हामिद करजई के जरिए, सिटीजंस के जरिए, तो एक एलिमेंट जो ध्यान में आता है कि उधर रशिया चाहता है कि अफगानिस्तान को हम सेंट्रल एशिया के हिसाब समझ करके उसको डील करें, इंडिया चाह रहा है साउथ एशिया का हिसाब बना करके उसको डील करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी ठीक से लोगों ने उसका शायद विश्लेषण नहीं किया है कि चाइना चाहता है कि वन बेल्ट वन रेड इनिशिएटिव में ये हमारा एक पार्टनर बन करके काम करे। तो बोलता है कि इकोनॉमिक फोर्सेस इस तरीके से वर्क कर रही हैं, जैसे लगता है नेशनल बाउंड्रीज को ऐसे भी वो मीनिंगलेस करना चाहती हैं। तो जो सरकार है अफगानिस्तान में, डिफेक्टो सरकार है तालिबान की, वो क्या वो वन बेल्ट वन रोड ज्वाइन करेगी और उसके भी डिप्लोमेटिक और नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये सब कुछ बातें पाकिस्तान ने तो कर ही लिया। खैर वो तो बेचारे को मतलब करना ही था वो उस तरह से। मैं थोड़ा सा मतलब जिक्र यहाँ पर ये कर लेता हूँ, उनका ये कहना होता है कि वो हंसते हैं, मतलब जैसे US कहता है कि हम ठीक है, या सरकार ये कहे या US कहे कि हम तालिबान के साथ बात करने के लिए चाहिए, कहते हम उनको न्योता देते हैं, कहते तुम मेरे घर में आकर के हमें न्योता दे रहे हो, मतलब क्या न्योता किस चीज़ का भाई, न्योता तो हम देंगे ना आपको, तो कहते हमारा न्योता फिर आपके लिए जरा अच्छा सिद्ध नहीं होगा वो ये इस तरह से। अच्छा एक और चीज़ आपको ये लगता है, एक सवाल आता है कि तालिबान के पास कितना है, उनके कंट्रोल में अफगानिस्तान का कितना हिस्सा है, तो वेस्ट के रिकॉर्ड्स जो हैं वो उसको 36% और 40% के आसपास बताते हैं, और आप मेरी बात मैं बोलूँगा, आप सिंपली क्या करिए, आप उसका एक पॉलिटिकल मैप उठा लीजिएगा और फिर उसके बाद किसी US की मतलब वेबसाइट पे आप जाइए, हालांकि उनका है CIA.org, वो वर्ल्ड फैक्ट शीट करके उनका एक आता है, तो उसमें और बहुत अच्छी साइट है वो CIA की, वो ज्योग्राफिकल चीज़ें कई देती हैं इस तरह से, हालांकि ऐसे तो मतलब ब्रिटेन के बहुत हैं वगैरह इस तरह से, लेकिन जो रेडीमेड आपको अवेलेबल है वो CIA.org करके आप उस पर चले जाइए और उसमें देखिए वह एक ऊपर पे स्क्रॉल डाउन एक वो आएगा फैक्ट शीट, तो आप उसमें फैक्ट शीट में हिंदुस्तान आएगा, सारे देश जितने भी होते हैं वो वाले देश जिनका हमने नाम भी नहीं सुना होता है, वो वाले भी होते हैं बहुत सारे ऐसे देश, आइलैंड मतलब पैसिफिक आइलैंड में कहीं पर कोई मतलब इस तरह से देश वगैरह होंगे, एक आध देश तो मेरे ख्याल से 11 या 12 आदमियों का भी है, वो भी है, तो उसमें नक्शा जो है आप उसमें देखिए और उस रीजन को देखिए कि यहाँ का गवर्नर कौन है और यहाँ पर कंपोजिशन कितनी है, यानी कौन सी एथनिसिटी वाले लोग हैं यहाँ पर। अब आप ये पाएंगे कि जो मेरा हिसाब है और जिसको कि अनऑफिशियली जिसको मानते हैं सब, कि करीबन 72% जो है
वो आउट राइट तालिबान रूल करते हैं 72% को। अब 72% से भी ज़्यादा तो वो कर काबुल वो कभी लेना नहीं चाहते, कहते काबुल की ज़रूरत नहीं हमें, कहते क्योंकि आज की डेट में हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसा ये करते रहते हैं, ये करने दो इनको, ये तो पैसा आता रहता है तो यहाँ से, तो डायरेक्ट पैसा मिलना अच्छा नहीं रहता कि काफिर के हाथों को पैसा ले ले है ना मांग करके, तो ये इन्हीं के हाथों से हमने ले लिया, वो दूसरी बात है। वो एक रीजन ऊपर का रीजन है, उस रीजन में तालिबान के लिए इसलिए मुश्किल है कि तालिबान बेसिकली गर्म सीर है, गर्म सीर का मतलब होता है गर्म इलाके का रहने वाला, और ठंड में थोड़ा छुपा हुआ रहता है, उससे काम नहीं हो पाता है। मतलब कंधार हेलमान, हेलमान की रातें ज़रूर ठंड हो सकती हैं लेकिन वैसे बेसिकली गर्म इलाका है, तो गर्म इलाके के लोग हैं वहाँ पर, इस तरह का आपको बहुत बड़ा इलाका मिलेगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो अफगानिस्तान का है, बदख्शान वाली जो प्रोविंस है, उस प्रोविंस में आपको मतलब पूरे साल भर में 5-10 दिन का ही टाइम मिलता है कि वहाँ से कोई रोड खुली भी हो, बाकी स्नो क्लैडेड है वो मामला, क्योंकि वो आगे जा कर के वो चाइना से मिलता है, वो वाला रीजन है एकदम एरिड और एकदम मतलब बर्फ जिसको कहते हैं वो रीजन है। तो ये भी मान करके चल लीजिएगा कि मेरे हिसाब से 72% के करीबन है तालिबान का, वेस्टर्न मीडिया उसको 40% कहता है, हिंदुस्तानी मीडिया की कोई औकात ही नहीं है परसेंट बोलने के लिए, उसकी कोई औकात ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, मतलब वो करता ही कुछ नहीं। आपको मतलब विश्व दृष्टि और विश्व गुरु अगर बनना है तो आप केंद्रित हो जाते हैं इमरान खान पे या पाकिस्तान पे। आपको विश्व गुरु बनना है यार, आपको कुछ करना है तो आप करिए ना, आप बात करिए कि वेनेजुएला नाम का जो देश है उसमें फलानी गली में कौन रहता है, उस देश की गली में आप यहीं पर अटक गए, आप मतलब आप पहुंच नहीं पा रहे इस इलाके से बाहर। ये फारसी में है कि पश्तो में है कि ओरिजिनली इंग्लिश में ही था, ये अमेरिकन तालिबान का शायद था कि अमेरिकन हैव ऑल द वॉचेस वी हैव द टाइम। अच्छा गुड, लेकिन ये तालिबान के द्वारा कहा गया बयान है, पश्तो में कहा गया है, ये पश्तो का हो सकता है या फारसी फारसी में कहा गया है, इसलिए वो लोग इसलिए विवाद इसलिए होता है कि इसमें एक इनहेरेंट वेस्टर्न ओरिएंटल बात भी छुपी हुई है, ओरिएंटलिस्ट जो उनका एनालिसिस है, तो क्या ये पता किया जा सकता है कि ये तालिबान ने ही कहा है ये या पता करके ये और एक सवाल मेरा था जी, हमने अफगानिस्तान को जब जाना था, हमने पख्तून को जाना, हमने तालिबान को जाना, बट इस बीच में मुझे लगा कि थोड़ा मुजाहिदीन के बारे में बात होनी चाहिए। सॉरी सॉरी, मैं हाँ, जब छोटा सा बता देता हूँ, उसमें ज़्यादा वो नहीं, दरअसल क्या है कि जो इसको मोटा मोटा ये समझिए, साउथ और वेस्ट जो अफगानिस्तान का है वो लगभग यानी डूरन लाइन और थोड़ा सा इधर वेस्ट, तो ये ईस्ट तो वो जो इलाका है वो पश्तून इलाका है, और जो ताजिक इलाका है वो बेसिकली काबुल और काबुल से ऊपर वाला जो इलाका है उसमें वो ताजिक रीजन माना, बोला भी ताजिक रीजन जाता है। छोटा सा और रीजन आता है जो कि ताजिकिस्तान सॉरी जो तुर्कमेनिस्तान, जो तुर्कमेनिस्तान से लगा हुआ जो इलाका है, मतलब इस तरफ तो एकदम वेस्ट में तो ईरान आ गया नीचे की तरफ, उसके थोड़ा ऊपर यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान आएगा और फिर ताजिकिस्तान लग जाएगा, तो वो जो तुर्कमेनिस्तान वाला जो इलाका है वहाँ पर आपको उज़्बेक कम्युनिटी आपको मिलेगी। उज़्बेक कम्युनिटी बेसिकली वहाँ पर आपको ये बता दें वो पॉलिटिक्स में उस तरह से नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, लेकिन जो बिजनेस का जिसके हाथ में है वो उज़्बेक कम्युनिटी के हाथ में होता है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास जो मूलत है जिसको ट्रेडिशनली जिसको बोलना चाहिए, जो उन्होंने नाम कमाया अब उनके क्राफ्ट्समैन ने, वो था कालीन बाफी, जो कालीन बनाते हैं है ना, कारपेट वगैरह इस तरह से
ये हो गया। दूसरा उनके पास भेड़ जो होती हैं, भेड़ की जो मैनेजमेंट है, मतलब गल्ला जिसको बोलते हैं, उसकी मैनेजमेंट तालिब नहीं कर पाता है, उससे हो नहीं पाता है, वो सिर्फ उज़्बे की कर पाते हैं। उनको पता होता है कि इसको, जैसे हमारे यहाँ पर गोपाल होते थे, यानी गाय को पालने वाले लोग, आपको मैंने ये देखा अपनी आंखों से, किनके साथ, लक्ष्मण सिंह जी के साथ, उनके साथ गया, करीबन मेरे ख्याल से 400 या 500 गाय थी एक, उसमें अकेला एक लड़का उनको मैनेज कर रहा था। एक गाय की जरूरत नहीं थी कि वो लेफ्ट से राइट चली जाए, वो क्या, इधर भी सरसों का खेत, कोई बाढ़ नहीं, गाय भूखी अब चरने के लिए जा रही है, तो वहाँ खा सकती थी ना, कोई नहीं सकता। उसने एक आवाज़ दी, चुपचाप, कहीं देखना नहीं है वो। तो वो कला जो है वो उज़्बेक लोगों के पास है। आपने जो हिंदुस्तानी फिल्मों में देखा होगा, अफ़गानिस्तान के बारे में देखने में, तो घुड़सवार और वो एक भेड़ को वो कर रहा है, ये उनका है। तालिबान इसको बहुत इतना पीटेंगे, तालिबान कुछ कहने के आदमी, किसी ने इस तरह से किसी जानवर का अपमान किया, वो कहते हैं लाश का तक का आप अपमान नहीं कर सकते। ये उनके पास, ये लाश का थोड़ा अपमान होता है, भेड़ का सिर या बकरा जो है उसका, भेड़ का सिर काट करके वो होता है, फिर दो घुड़सवार, ये जितने भी घुड़सवार जो उसको छीन करके ले जाए, ये उज़्बेक लोग हैं। लेकिन जो पॉलिटिक्स में इस समय जो जिसको बोलना चाहिए, जो असल में प्रेसिडेंट, तो आपके पास पश्तून होगा, इसमें कोई शक नहीं, उसके बाद जो कुछ भी होगा वो ताजिक होगा और कोई नहीं। अब उसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट आपके पास रोल आता है वो है NDS का, नेशनल डिफेंस सर्विस करके उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास मेरे ख्याल से उनकी GDP का मतलब 50% उस ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है लगभग। ये उनकी GDP सिर्फ वही होती है कि जो बाहर से आ जाए, लेकिन वो अपना खाना अपने आप उगा लेते हैं, उनको बहुत सही मानते हैं, जैसे जौ की रोटी खाना, वो ये कहते हैं हम अपना खाना खा रहे हैं, तो गेहूं की रोटी या जब इन्होंने यार जौ, काम लेना भी क्या करें, जो आजकल हमारे वो है जो नाले की गैस से चाय बनाने के बारे में जिन्होंने सिद्धांत दिया, नाम मत लेना उनका, तो उन्होंने जो कितना बुरा माना अफगान्स ने, ये कि हमने 1 मिलियन टन गेहूं दे दिया, लोग लगभग इतना बेइज्जत, और अफगान बेइज्जत महसूस नहीं करे, वो ताजिक को, वो उज़्बेक को, वो पठान, सवाल ही कहते हैं रोटी के लिए आप, रोटी देने के लिए आप आ रहे हो, अफगान ने रोटी किसी से मांगी थी ना, और कुछ नहीं, अपनी भेड़ें भेड़ खाएंगे रोटी, इस तरह से वो बहुत गलत उसका मैसेज गया था। हालांकि उसको लीपा पोती करने की कोशिश की गई, क्योंकि इन्होंने बड़के मार दी, जैसे कि भाई जब सरदार जी हुआ करते थे, तो सरदार जी के टाइम पर जो सर्जिकल स्ट्राइक हो, उनकी तरफ से भी काफ़ी सर्जिकल स्ट्राइक होती थी हमारी तरफ, तो हमारी तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक होती थी वो तो आपको पता ही नहीं होता था ना, मैंने तो कभी नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना, आपने भी, लेकिन होती तो थी, तो वो डॉक्यूमेंटेड है ना, वो तो पार्ट है हमारी मिलिट्री हिस्ट्री का। इन्होंने एक हमारे, अब खैर उसको कैसे कहें, कि हमारे गांव में एक विधवा चाची थी, हालांकि वो चाची काफ़ी बूढ़ी थी, लेकिन सब उसको चाची कहते थे। तो उसका जो बेटा था वो मेरे साथ पढ़ता था, और पढ़ने में मैं सबसे होशियार आदमी हुआ करता था, तो जो कोई काम अच्छा हो गांव में उसके बेटे ने किया। पानी एक बारी हमारे यहाँ पे नेचुरल पानी आता है, तो मेरे गांव में 3 पानी नेचुरल आते थे, और नीचे तो गंगा, इधर भी और इधर भी है। तो उस एक पानी बंद हो गया, तो लोगों को थोड़ा ज़रा लंबा डिस्टेंस, मतलब 3 मिनट और ज़्यादा डिस्टेंस पे चलना होता था, तो पता नहीं कुछ क्या हुआ कि पानी आ गया, फिर दोबारा से कहता मेरे लड़के ने किया है,
फिर फलां जगह पे कुछ हो गया, वो देवता टाइप रहते हैं हमारे गांव के ऊपर, देवता होते हैं ना हर ग्राम के एक देवता होते हैं, वो मुझे कॉन्सेप्ट वैसे बहुत अच्छा लगता है। गांव का एक देवता होता है, गांव का झूठ को बचाते हैं, गांव के झूठ को भी रक्षा करते हैं, गजब की चीज़ है। तो वो उनकी वो छत वत टूट गई तो वो बाद में ठीक ठाक हो गए, तक मेरे बेटे के चक्कर में, भाई तेरा बेटा मेरे साथ पढ़ रहा है, मैं चौथी में पढ़ रहा था, तो हर जो कुछ है वो नंदू ने किया है, ठीक है। तो अगर वो चाची आज की डेट में होती तो सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय भी नंदू ले रहा था भाई, तो यहाँ पर कोई दूसरे नंदू पैदा हो गए हैं जो श्रेय ले रहे हैं, ठीक है ना। तो खैर अब जैसा भी है गरीब ये, तो उनका क्या कहते हैं, ये बहुत गलत मानना था। उनको वहाँ की पार्लियामेंट हमने बनाई है, हिंदुस्तान मतलब सरदार जी, तो पार्लियामेंट की बेसिकली ज़रूरत होती नहीं है वहाँ पे, जिरगा होता है वहाँ पे, पार्लियामेंट को कोई मानता नहीं है, लॉ बना लेंगे, लॉ को कौन मानेगा। जिरगा जो कम्युनिटी वाला एक जैसे पंचायतें होती हैं, वो आप उसके लेफ्ट और राइट नहीं जा सकते, सवाल ही नहीं, उन्होंने जो कहा है वही होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव से बहुत सारे उनके निर्णय ऐसे लगेंगे कि यार ये बहुत ज़ालिमाना है। ज़ालिमाना में ये कि अगर किसी लड़के ने, अच्छा वहाँ पर नीड की चोरी, हाँ वहाँ पर नीड की चोरी अगर है तो वो चोरी नहीं बोलते उसको, अगर नीड है उसकी चोरी पश्तून के पास चोरी नहीं मानी जाती। आप भूखे हैं, मेरे घर में आ करके आपने मुझे थप्पड़ मार करके रोटी छीन करके ले गए, पकड़े भी गए, पश्तून इलाके में आपको कोई कुछ नहीं कर, भूखा था फिर खत्म, लेकिन कोई इस तरह से जाएगा नहीं किसी के उस पर, आप जाइए ना किसी से ही मांगिए आप, वो दे मतलब वो अगर नहीं दे पाएगा तो आपसे कहेगा कि रोटी नहीं है लेकिन मैं आपको मटन खिला सकता हूँ, वो झूठ बोल करके अपने हाथ काट करके आपको मटन खिला देगा अपने हाथ का, वो सब भूखा नहीं जाने देगा, नेवर, ये पक्का है। आप ये करिए, आप बोलिए कि आप अगर तालिबान एरिया में अगर आप किसी तरह से चले जाते हैं तो आप सीधा बोल दीजिए मैं हिंदू हूँ, बस फिर पता मौज है फिर आपकी, फिर आप सबसे कुत्ता नहीं भौंकता वहाँ पे फिर आपके, क्योंकि फिर आप उनके जिम्मी हो गए। इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है कि जिम्मी माने जिसकी जमानत आप, मतलब जिसका जिम्मा आप पर है, तो वो आप जिम्मी, आप मौज करिए।